दूध ने चाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। मटर पनीर बहुत अच्छी बनाता हूँ। पहली बार 100 रुपए मिला था। एक ये पिक्चर थी आपकी, उन्होंने कमेंट किया कि अब तो शादी कर लो सब कुछ अच्छा लगेगा। देखो ये इनका तजुर्बा हो सकता है कि सब कुछ अच्छा लगेगा, मैं तो ऐसे भी मित्रों को जानता हूँ जिन्होंने शादी कर ली उसके बाद उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। कुछ लड़कियों ने मुझे ये भी बोला है कि इमरान कैसी लड़की खोजेंगे या कैसी लड़की इनको चाहिए। कैटरीना कैफ नहीं चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं। कुछ दिल टूटे आशिकों ने भी बोला है कि अगर दिल टूट जाए तो इमरान भाई हमें किस तरीके संदेश देना चाहेंगे। नहीं नहीं, सबसे बेहतर है कि दिल तोड़िए। आदरणीय सोनिया जी से पहली बार मिला तो उन्होंने कहा कि कविताएं लिखते हो, तो मैंने कहा जी मैं, तो उन्होंने कहा कुछ सुनाओ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। हम सारे सांसद डिटेन हुए थाने में, हम लोग डिटेन है। तो राहुल जी ने कहा कि भाई सबको ही कुछ कुछ सुनाओ। सब बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी सांसदों से मिलते हैं तो वो मुलाकात कैसे होती आप है? अंदर के सच जानना चाह रहे हैं। पब वगैरह नहीं जाते होंगे? कभी जिंदगी में नहीं गया यार। मुझे लगता है कि क्यों जाना चाहिए, वहां पे भी आपके वोटर हो सकते हैं। मुझे लगता है ठीक है होने चाहिए, उनसे बाहर मिल लेंगे ना, अंदर जाके क्यों। अब बॉक्स है, एक बॉक्स है जो खुलेगा तो ये तय होगा कि आप सांसद हैं या नहीं है। सिर्फ एक बॉक्स है। निकनेम है कोई आपका? छोड़िए जाने दीजिए। नहीं 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 जाने। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज पहला मेरा जो पॉडकास्ट है सिटिंग एमपी के साथ है, लेकिन जब मैं एमपी के साथ बैठा हुआ हूं तो मुझे फील नहीं हो रहा कि मैं एमपी के साथ बैठा हुआ हूं, क्योंकि हमारी पहले भी मुलाकात हो चुकी है और हम उम्र हम ज़्यादा लगते हैं। तो ये भी एक अच्छी बात है। इसके अलावा सबसे अच्छी बात यह कि जब आप इनसे बात करते हैं तो आई थिंक इनसे ज़्यादा पोलाइट इंसान कोई नहीं है। आने के साथ ही सबसे पहले मुझे चाय मिली थी, चाय पिलाई इन्होंने, बड़े आदर के साथ बिठाया और उसके बाद में आप चेहरा देख ही रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन इनकी मुस्कुराहट के पीछे जो है ना वो एक कवि भी छुपा है, एक पॉलिटिशियन भी छुपा है और एक जर्नलिस्ट भी छुपा है, उस पर भी बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका, आपने टाइम दिया मुझे। और काफ़ी दिनों से ये रिक्वेस्ट आ रही थी कि इमरान जी से बात करिए, इमरान जी से बात करिए, तो फाइनली आज आप हैं। तो शुरुआत सबसे पहले हम करेंगे प्रतापगढ़ चलेंगे, उसके बाद में फिर हम इलाहाबाद आएंगे जिसको आप प्रयागराज आएंगे उसके बाद, और फिर हम आएंगे वापस दिल्ली जहाँ पे हम बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले प्रतापगढ़ की कुछ यादें बताइए, बचपन की यादें बताइए, कैसा था बचपन आपका? बिल्कुल एकदम गांव के बच्चों का जैसे बचपन होता है, एकदम छोटे से गांव में और मुख्यालय से तकरीबन 15-20 किलोमीटर दूर, जिसको आप खांटी गाँव कह सकते हैं, वहाँ पैदा हुआ, पढ़ाई वहीं हुई गाँव में ही, नर्सरी स्कूल हुआ करते थे पहले, उसके बाद फिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हुआ करते थे, वहाँ पढ़ाई हुई। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 8वीं तक हुआ करता था? 8वीं तक हुआ करता था। फिर हाई स्कूल थे तो वहाँ से हाई स्कूल पास किया, फिर इंटरमीडिएट करने के लिए पहली बार शहर आया, शहर आया मतलब? शहर बसों पे लटक करके और जीप चला करती थी पहले, तो उन सबसे पढ़ाई के लिए आया। 12 किलोमीटर साइकिल चला के पढ़ने जाते थे, तो वो बड़ा मज़े का, जिसको कहते हैं ना कि गांव की मिट्टी में पले बढ़े, तो उसे महसूस करने का खूब मौका रहा। इंटरमीडिएट करने के बाद ज़िद करके, पापा नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ने के लिए बाहर जाऊं, यानी कि इलाहाबाद हमारे लिए बाहर था, इलाहाबाद तो 70 किलोमीटर दूर है हमारे यहाँ से, तो ये हुआ कि मुझे लगा कि नहीं मुझे इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाना है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का एक अलग रौब है, एक अलग भौकाल है इलाहाबादी भाषा में, तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी आने के लिए चुप चुपा के उसका एंट्रेंस का एग्जाम दिया। अच्छा, पिताजी नहीं चाहते थे? पिताजी नहीं चाहते थे और उन्हें बताया भी नहीं कि मैं एंट्रेंस दे रहा हूँ। एंट्रेंस दिया, एडमिशन हो गया। जब एडमिशन लेने के लिए फीस मांगी तब पता चला उन्हें कि, तो एक आध दिन नाराज रहे, फिर बड़ी मुश्किल से पैसे वैसे दिए तो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया। तो प्रतापगढ़ जो है वो बहुत खूबसूरत यादें हैं वहाँ से, और बड़ा संघर्ष वाला लेकिन खूबसूरत, जो बचपन में उतना संघर्ष हर बच्चे की जिंदगी में होना भी चाहिए, मेरा अपना मानना है। सफलता का आनंद तभी जाकर के, वो मेरा ख्याल है कि वो जो किशोरावस्था है इंसान की वो थोड़ी सी सुदृढ़ और अच्छी बन पाती है। तो उस दौरान मुशायरे सुनने का खूब मौका, प्रतापगढ़ में कवि सम्मेलन मुशायरे खूब होते थे, पापा को शौक था सुनने का तो वो जाते थे सुनने के लिए, तो मैं भी जाता था उनके साथ। फिर धीरे धीरे जिंदगी एक नए रास्ते पे चल पड़ी। रास्ते पे आएंगे अभी हम, प्रतापगढ़ में ही अभी मैं रहूंगा थोड़ी देर। बचपन की कोई शरारत याद है जब मार पड़ी हो आपको, कुछ हरकतें? खूब मार पड़ती थी, मतलब थोड़ी, कोई किस्सा याद थोड़ी नहीं है। वो अमूमन होता क्या था ना, क्रिकेट खेलने के लिए, हाँ। क्रिकेट खेलने का बड़ा जुनून था उस वक्त। अच्छा, तो क्रिकेट खेलने के लिए
क्लास बंक कर देते थे। अच्छा, तो अब क्लास और घर की दूरी, स्कूल और घर की दूरी बहुत ज्यादा थी नहीं, और वो छोटे जो कस्बाई इलाके हैं, गांव हैं, बाजार जिसको आप बोलते हैं, वहां आप बहुत छुप छुपा नहीं सकते। अगर आप क्रिकेट खेल रहे हो तो किसी ना किसी की नजर ऐसी पड़ जाती है जो थोड़ी देर बाद आके पिताजी के पास बैठा होता है, कह रहे हैं आपका बेटा तो वहां क्रिकेट खेल रहा है। तो पता चला पापा के पास वो मोटरसाइकिल होती थी राजदूत उस समय, तो राजदूत का भौकाल, हाँ, और राजदूत का भौकाल था, तो उसकी आवाज दूर से सुनाई पड़ जाती थी। तो एक कान तो जो है ना वो ग्राउंड पे रहता था और एक कान रहता था कि वो राजदूत की आवाज सुनाई पड़े या नहीं पड़ी। और जैसे ही राजदूत की आवाज सुनाई पड़ती थी तो चाहे गेंद हाथ में हो या बल्ला हाथ में हो तो हम रन लेने के लिए दौड़ पड़ते थे, और वो क्रिकेट ग्राउंड से बाहर की दौड़ होती थी कि भागो नहीं तो पिटोगे। फिर घर आते थे तो पिटाई होती थी खूब। मुझे पेड़ लगाने का बहुत शौक था, फूल के पेड़, गुलाब के, और उस समय गुलाब नर्सरियों में बिकते थे उनके पेड़। तो पापा कभी जैसे 10-20 रुपए, 25 रुपए, उस समय 10 रुपए बहुत होते थे, तो वो मिलते थे तो उनके मैं गुलाब के पेड़ खरीद लाता था। अच्छा। तो उसके लिए भी काफी पिटाई हुई है कि पैसे बर्बाद करते हो तुम गुलाब के। 4 दिन बाद पता चला हमारे पास घर पे एक छोटा एक घोड़ा था, पापा को शौक था, तो वो पता चला उसके आसपास ही थोड़ी सी जगह थी जहाँ पेड़ लगाना रहता था। तो दूसरी सुबह हम शाम में पेड़ लगाते थे, सुबह घोड़ा जो है वो पेड़ चढ़ जाता था। तो उसके लिए भी काफी पिटाई हुई है। और मेरे साथ मेरा एक दोस्त था श्रीकांत, वो पढ़ता था, तो सामूहिक रूप से पिटाई होती थी जब पकड़ में आते थे, तो पापा को लगता था कि श्रीकांत ही खराब कर रहा है इनको, तो श्रीकांत भी पिटता था, हम भी पिटते थे, बाद में फिर हंस करके दोनों साथ में दूसरे दिन फिर क्लास बंक करते थे। तो वो बड़ी मजे की जिंदगी थी। और पापा चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं, और इसलिए वो पूरा फोकस उनका रहता था कि मैं पढ़ूं पढ़ूं। मुझे जिंदगी कहीं और ले जा रही थी, लिटरेचर की तरफ। वहां से अब वापस जब आप आ जाते हैं इलाहाबाद, प्रयागराज हो गया है, तो वहां पे कॉलेज था आपका? मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में मैंने एडमिशन लिया। और देखिए इलाहाबाद जो है ना वो प्रयागराज तो हमेशा से था, वो प्रयागराज स्टेशन हुआ करता था। जब मैं पहली बार प्रतापगढ़ से ट्रेन में उतरा तो प्रयागघाट स्टेशन पे उतरा था, प्रयागघाट, तो वो स्टेशन आज भी है। तो प्रयागराज तो वो हमेशा से था। ये नाम बदलने की जो संस्कृति नई नई पनपी है उससे शहरों के मिजाज नहीं बदल जाते, तो वो इलाहाबादी पन जो है वो जिसने उसको जिया है उसके मन से कभी वो बात निकलती नहीं। तो इलाहाबाद आ गए, बड़े ख्वाब थे, बड़ा सपना था वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, जहाँ फिराक गोरखपुरी, हरिवंश राय बच्चन, महादेवी वर्मा, बड़े बड़े जिसके सीनेट हॉल में खड़े होकर के फैज ने, अहमद फराज ने, किसने किसने, कैफी आजमी ने शायरी पढ़ी है। तो वो बड़ा सपना था, आए लगता था कि आते ही क्रांति हो जाएगी। एक फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर ग्रेजुएशन के तो समझ में नहीं आया, कोई दोस्त नहीं बना, तो मन नहीं लग रहा था यूनिवर्सिटी में आने का, पढ़ाई करने का, क्लास अटेंड करने का, क्योंकि बिल्कुल मिसमैच था जो शहर की जिंदगी थी उससे, बिल्कुल मिसमैच था। और बिल्कुल खांटी गांव के एकदम से शहर आ जाओ आप, और वो भी पापा से जिद करके, फैमिली से जिद करके। तो अच्छा, तब तक बहुत बड़े भी नहीं हुए थे, तो शहर में अकेले रह पाना भी एक बड़ा मुश्किल काम था। आप घिरे होते हैं जब आप छोटे शहर में होते हैं, कई सारे लोग होते हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ आपकी अपनी एक मनपसंद जिंदगी होती है, कुछ दोस्त होते हैं जिनके साथ वक्त आसानी से कट जाता है। शहर में तो आप यूनिवर्सिटी आए, यूनिवर्सिटी में क्लासेज अमूमन नहीं ही चलती हैं, तो आप फिर लौट के, आप जब जहाँ रह रहे हैं, हॉस्टल में रहने का कभी मन हुआ नहीं तो खुद रूम लेकर के रहते थे, खुद खाना बनाते थे, तो वो बड़ी मुश्किल। खाना बना लेते? हाँ, खाना भी बनाते हैं, खाना, दाल चावल बहुत अच्छा बनाता हूँ, अपनी पसंद का दाल चावल, दोस्तों को भी पसंद है, मटर पनीर बहुत अच्छी बनाता हूँ। और मजे की जिंदगी थी कि मेरे जितने भी दोस्त रहे, जो रूममेट रहे जिनको आप कह सकते हैं, वो एक कमलेश जी थे, एक राम बाबू जी थे, तो सब जो है वो शाकाहारी थे। कहाँ शुद्ध वो है, दोस्त है अभी भी टच में है, तो वो सब शाकाहारी थे। अच्छा, तो वो शाकाहारी होने की वजह से एक अघोषित सा समझौता था कि कभी कमरे पर, मतलब रूम में, वो जो एक कुकर होता था, एक बड़ी मुश्किल से एक भगोना होता था, तो उसमें ये था कि नॉनवेज नहीं बनाया, एक उनके सम्मान में कभी खाना हुआ तो बाहर चले गए होटल पे खा लिया, लेकिन घर पे, मतलब उस रूम में कभी नॉनवेज नहीं बना।
तो फिर दाल चावल बनाना ज्यादा बेहतर तरीके से आया। और इलाहाबाद में बड़ी प्रचलित है वो तहरी, बच्चों के लिए स्टूडेंट्स का एक तहरी बनता है, वो सारी सब्जियां थोड़ी सी दाल चावल मसाला मिला करके सब एक साथ पक गया तो झंझट ही खत्म। और वो आसान भी है पकाना, आसान भी है और सबसे प्रिय भोजन है वो, उसकी आदत भी बन जाती है बचपन से। जैसा टेस्ट आपका डेवलप होता है फिर वही चीज है, जैसे हम कहते हैं ना कि माँ के हाथ का खाना हमें बहुत अच्छा लगता है, तो ऐसा नहीं कि माँ कोई चमत्कार कर देती है या उसने कहीं अलग से सीखा हुआ होता है, दरअसल बचपन से वही आपको वही जायका आपके होटल पे डेवलप हुआ है। तो दुनिया में कहीं भी चले जाओ, आज आप 5-स्टार होटल का खाना भी खाओ तो आपको लगता है नहीं कि माँ के हाथ की रोटी ज्यादा अच्छी है। तो बस वो मसला वही है कि वो डेवलप हुआ है वो टेस्ट, तो वही रहा जिंदगी में, तो वो चीजें अभी भी चल रही हैं। तो अभी खुद बनाते हैं यहाँ पे? हाँ कभी कभी बना लेता हूँ, मुझे जब मन करता है, तो सब कुछ छोड़ छाड़ के नहीं मैं बनाऊंगा, तो खुद बना के खाते हैं, अच्छा लगता है। तो किसी दिन मैं आ सकता हूँ? हाँ बिल्कुल स्वागत है, आप आज रुके, अभी शाम में दाल चावल बना के खिलाते हैं आपको। बताइए कितनी बड़ी बात है, सांसद साहब मुझे खाना बना के खिलाएंगे और उसके बाद तो देखिए, सांसद हो जाने का मतलब ये थोड़ी है कि आप अपनी जो असल जिंदगी है उसको एक दरकिनार कर दें। इसीलिए मैंने क्या बोला, रौब में आ जाएं। इसीलिए मैंने बोला ना शुरू में, मैंने बोला कि मुझे नहीं लग रहा है कि मैं एमपी के साथ बैठा हूं। और ये अभी जब मैं आपकी टीम से बात कर रहा था तो वो लोग बोल रहे थे कि आइडिया कहाँ से आया, तो मैंने उनको किस्सा बताया कि जब मैं आपसे उस दिन मिला था, जब आप हमारा एक इंटरव्यू चल रहा था, तब आपने मुझे बोला था कि हेमंत जी कुछ पर्सनल सा होना चाहिए। हाँ वो होना चाहिए। देखिए राजनीति ने इतना ज्यादा आवरण उड़ा दिया है सारे एमपीज या फिर जो भी पॉलिटिकल लोग हैं, तो ऐसा लगता है कि नहीं इनकी कोई व्यक्तिगत जिंदगी है ही नहीं, आम जिंदगी है ना भाई। हम भी वही एकदम गाँव के लोग हैं, हमें आज भी गाड़ी चलाना अच्छा लगता है, हमें आज भी खुद खाना बना के खाना अच्छा लगता है, दोस्तों के साथ बैठना अच्छा लगता है। बस ये कि जिंदगी इतनी अजीब हो गई है, कभी कभी मतलब गुस्सा आता है इस पूरी जो एक झूठी जिंदगी है, जिसे आप झूठी जिंदगी कह सकते हैं, कि आवरण ओढ़ के चलना पड़ता है। लेकिन फिर भी मैं कोशिश करता हूं कि अपने अंदर के पुराने इंसान को बचा के रखूं। वेरी गुड। अब इलाहाबाद में भी आप होके आ गए और हम प्रतापगढ़ में भी हो गए, दिल्ली में आए। हाँ तो दिल्ली में कैसे आना हुआ, और राजनीति बाद में आएंगे, पहले दिल्ली जब आए आप पहली बार दिल्ली कब आए और कैसा रहा? देखिए मैं 2012 के आसपास, मैंने 2008 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से हिंदी साहित्य से परास्नातक, परास्नातक यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन किया, पोस्ट ग्रेजुएशन हिंदी साहित्य से किया। अच्छा स्नातक बोलते हैं आपको, ग्रेजुएट ग्रेजुएट परास्नातक, परास्नातक बोलते हैं पोस्ट ग्रेजुएट को, ये लोगों को पता नहीं होगा। मैंने परास्नातक किया, फिर पीएचडी करना चाहता था हिंदी लिटरेचर से ही, तो उस दौरान मुशायरों में जिंदगी कवि सम्मेलनों में शुरू हो गई थी, थोड़े पैसे मिलने लगे थे, पहले शुरू में 100 रुपए 500 रुपए और एक शॉल। अच्छा ये चलिए मैं मैं रोक दूं यहीं पे, पहला मुशायरा और पहले पैसे कितने थे और कहाँ पे थे? पहली बार 100 रुपए मिला था, कहाँ मुझे याद है, प्रतापगढ़ में ही एक कवि सम्मेलन था, वहाँ एक बड़े हिंदी के अवधी के भाषा, अवधी भाषा वहाँ पे बोली जाती है, जिसमें रामचरितमानस लिखा गया, उसमें आद्य प्रसाद उन्मत्त जी थे। अच्छा। बहुत अवधि के बहुत अच्छे कवि, बहुत बड़े कवि, जितना उन्हें लिखा पढ़ा जाना चाहिए था उतना उनके साथ न्याय नहीं हुआ मुझे लगता है, तो उनको सुनते थे तो बड़ा लगता था कि कविताएं, फिर उनके सानिध्य में आया तो कवि सम्मेलन में थोड़ी थोड़ी कविताएं, हिंदी कविताएं लिखता था मैं, तो पहली बार उन्होंने एक कवि सम्मेलन में बुलाया। अच्छा। और 100 रुपए पेमेंट दिए थे। कब की बात है ये? बात है 2008 के आसपास की, 7-8। उससे पहले होता क्या था ना कि जब मैं इंटरमीडिएट कर रहा था तो प्रतापगढ़ में केपी इंटर कॉलेज है और राजा भैया का कॉलेज है वो, तो उस कॉलेज से मैं इंटरमीडिएट कर रहा था, तो एक लिटरेचर था अंदर, तो पोएट्री कंपटीशन हो रहा है, डिबेट कंपटीशन हो रहा है, तो उसमें मैं पार्टिसिपेट करता था, और पार्टिसिपेट करता था तो मैं नेशनल मतलब मुझे फर्स्ट पोजीशन रही डिबेट में, कई चीजों में। अच्छा इसमें एक और किस्सा है ना, वो यूपी का आपको सबसे बड़ा, वो 2016 में, 16 अच्छा वो 2016 में, उसका जिक्र करेंगे हम लोग। तो उसके बाद कवि सम्मेलन जब सुनते थे मुझे लगता था यार कवि खड़ा होकर के, शायर खड़ा होकर के देश के सबसे बड़े राजनीतिक व्यक्ति पे भी जिस तरह से चाहे वो टिप्पणी कर सकता है, कविताएं सुना सकता है, तो वो बड़ा एक मतलब लगता था कि नहीं यार ये बहुत शानदार चीज है। तो धीरे धीरे वो डेवलप होता चला गया, फिर मुझे लगा कि अब कवि सम्मेलनों की तरफ जाना चाहिए, तो कविताएं लिखनी शुरू की, स्वर अच्छा था यानी कि पढ़ अच्छा लेते थे तो,
मंजियता थी, क्योंकि इंटरमीडिएट के दौरान, हाई स्कूल के दौरान स्टेज जो स्कूल के प्रोग्राम्स होते थे, कॉलेज के प्रोग्राम होते थे, उसमें पार्टिसिपेट करता था, संचालन करता था, तो वो सारी चीजें शुरू से थी, झिझक शुरू से खत्म थी। ठीक है, तो इस वजह से कवि सम्मेलनों में जाना शुरू किया। पहली बार 100 रुपए मिले तो बहुत अच्छा लगा, फिर दूसरी बार मुझे याद है कि 250 रुपए मिला था, फिर एकाध कवि सम्मेलन का जब आमंत्रण आया तो उसमें पहले पोस्ट कार्ड पे आमंत्रण आता था, क्योंकि मोबाइल तो तब था ही नहीं, तो उसमें लिखा रहता था कि आपको मानदेय के रूप में 500 रुपए दिए जाएंगे और साथ में शॉल दी जाएगी। वो तो मेरे पास खूब सारा कलेक्शन रहा शॉल का, बहुत अच्छा सा, तो वो बड़ी शानदार जिंदगी थी। धीरे धीरे वाह वाह एक प्रोग्राम होता था, टीवी चैनल सब टीवी पे, सब टीवी पे आता था, तो उसमें बुलाया गया 2010 में, शायद 10 था शायद, हाँ या 11, तो उसमें आया, तो पहली बार टीवी पे आया तो अखबारों में खबरें छपी, भोकाल बना। उसी दौरान इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में कोर्स शुरू हुआ था, एक साल का डिप्लोमा जर्नलिज्म का, फोटो जर्नलिज्म एंड विजुअल कम्युनिकेशन। तो कुछ दोस्त थे जो एडमिशन ले रहे थे, तो फीस नहीं थी अपने पास, तो जोड़ गांठ के किसी तरह की, चलो थोड़ा जर्नलिज्म भी करते हैं, तो एक साल जर्नलिज्म भी किया। और उस दौरान समझ में आया कि नहीं, हाँ मीडिया और इस सब का रोल क्या है, फिर वही एहसास हुआ कि नहीं, हम खबर बनाने के लिए नहीं बल्कि खबर बनने के लिए पैदा हुए हैं, तो वो फील आया अंदर से। और उसी साल जब आए प्रोग्राम में सब टीवी के, तो सब टीवी में देखने के बाद फिर देश भर से कवि सम्मेलन में बुलाया जाने लगा, और बुलाया जाने लगा तो फिर वो 2000, फिर 3000, फिर 5000 पैसे बढ़ते गए, फिर आप उसे कई मल्टीप्लाई कर सकते हैं, खूब पैसे मिलने लगे, खूब कवि सम्मेलन मिलने लगे। अब तो कवि सम्मेलन में जाने का टाइम भी नहीं रहता होगा। हाँ, अब बड़ा मिस करते हैं। मेरी बात हुई थी एक दिन सुनील जोगी से, तो बोल रहे थे कि इमरान भाई से, पता नहीं मुझे याद नहीं मैं कब मिला हूँ, और इमरान भाई से मैं मिलना चाहता हूँ, तो मैंने कहा उनसे तो कभी भी मिलो, कोई भी मिलता है उनसे, तो उन्होंने नंबर भी लिया था आपका। तो हाँ, सुनील भाई से कवि सम्मेलनों में एक दौरान, जब मैं हिंदी कवि सम्मेलन, जो कवि सम्मेलन जिसे आप कह सकते हैं, जब उसमें खूब सक्रिय था, वो समय था 2008-09 से आप शुरू कर लें, और 2013 तक, 13 ये 4-5 साल, और इस दौरान सारे लोग, सुरेंद्र शर्मा जी, हरिओम पवार जी, कुमार विश्वास जी, विनय चौहान जी, सुनील भाई, विष्णु सक्सेना जी, पॉपुलर तो बेसिकली उर्दू के मुशायरों के आदमी, हाँ। तो ये सारे लोग कवि सम्मेलनों में, इनके साथ खूब यात्राएं रही, हाँ। और खूब मजे का सफर रहा, और देश भर घूमा मैंने, हाँ। और पैसे भी खूब अच्छे मिलते थे, तो 15,000 उस समय, 15,000 रुपए मतलब करोड़ों की, मतलब उसकी ताकत बहुत बड़ी थी। तो फिर ये हुआ कि अब पैसे आने लगे तो गाड़ी खरीदी जाएगी, तो बाइक खरीदी खुद के पैसे से। उस समय बजाज ने डिस्कवर लॉन्च की थी, और बड़ा पॉपुलर थी, हाँ बहुत पॉपुलर थी, अच्छी लगती थी, तो पल्सर थोड़ा सा ऐसा लगता था कि नहीं यार वो महंगी भी थी, और स्पोर्ट्स, और लगता था कि स्पोर्ट्स बाइक है, और पापा तो बाइक चलाने ही नहीं देना चाहते, मतलब उनको लगता था कि हर गाँव में आज भी सारे पिताओं को ये लगता है कि बेटा अगर बाइक चलाएगा तो ओवर स्पीड करेगा और लड़ेगा, उनके दिमाग में रहता है, तो वो लेने नहीं देना चाहते थे। बड़ा लड़ झगड़ के बाइक खरीदी, अपने पैसे से खरीद रहा था तो खरीद पाया, और खरीदने भी ना देते। फिर कवि सम्मेलनों का सफर चलता रहा। 2013 में मुशायरों में एक तरह से स्विच करके मुशायरों में आया, और मुशायरों में और शोहरत मिली। दिल्ली आए आप, जब दिल्ली में कहाँ रहे शुरू में? दिल्ली आया मैं, दिल्ली में जेएनयू में मेरे कुछ दोस्त थे, अच्छा क्योंकि वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साथ पढ़ते थे, तो उनसे मिलने के लिए एक दो बार आया। अच्छा, होता क्या था कि कनेक्टिविटी नहीं थी इलाहाबाद से, फ्लाइट नहीं थी उस समय, लखनऊ जाके फ्लाइट पकड़नी पड़ती थी अगर कहीं मुशायरों में जाना है। तो 2012 में पहली बार मैं जद्दा मुशायरे में गया, एम्बेसी ने बुलाया मुझे। अच्छा, जद्दा मतलब सऊदी अरब। हाँ। आप सऊदी अरब जब वहां गया तो दिल्ली आना पड़ा फ्लाइट पकड़ने के लिए, तो दिल्ली फ्लाइट पकड़ने के लिए आते थे। पहली बार तब आया था, और उसके बाद फिर आता रहा बीच बीच में, लेकिन जैसे कहते हैं ना कि कभी एक दो चार दिन रुकने के लिए आया, तो वो जेएनयू चले आया, दोस्त थे जामिया में, कुछ दोस्त थे इस तरह से इनसे मिलता था, तो हॉस्टल रुक गए दोस्तों के साथ, रुक सकते थे, होटल अफोर्ड कर सकते थे उस समय, लेकिन लगता था कि दोस्तों के साथ रहना है, अलग ही मजा है, और वो हॉस्टल की लाइफ, जेएनयू वाली लाइफ, वहां का खाना पीना, तो वो ब्रह्मपुत्रा पे बैठे हैं दोस्तों के साथ, तो बड़ा मजा आता था वो। तो उस तरह से 15-16 में रेगुलर आने लगा। 16 में यश भारती मिली, यश भारती, हाँ, स्टेट का सबसे बड़ा अवार्ड दिया सरकार ने उस समय, चार अभी भी है बहुत, हाँ, अभी तो बंद कर दिया है महाशय ने, नए मुख्यमंत्री जी ने, लेकिन उस समय बहुत चार्म था उसका,
क्योंकि एक बड़ा पुरस्कार है वो। और मेरे ख्याल से आप सबसे यंग थे जब आपको वो। हाँ, मुझे 29 साल की उम्र में मिला। हाँ। तो मैं यंग था लिटरेचर में, यंगेस्ट था। और मेरे साथ नवाज देवबंदी साहब को मिला था और शायद सुनील जोगी को भी उसी साल मिला था। उनको भी मिला हुआ है? हाँ शायद, हाँ उनको भी मिला हुआ है। अच्छा। उनको तो कई तरह के कई सरकारों के अवार्ड मिले हुए हैं, वो सर्वत्र व्याप्त व्यक्ति है ना। हाँ। तो उनको मिले हुए हैं। तो अच्छा रहा, वो उस समय हमारे यहाँ हिंदुस्तानी एकेडमी के अध्यक्ष हुआ करते थे, तो राज्य मंत्री का दर्जा भी प्राप्त था उनको। अच्छा अच्छा। तो 16 तक वहां रहा, 17 में दिल्ली आया। चलिए दिल्ली आ गए। अब देखिए, अब मेरा सवाल ये है कि आपको पता नहीं था आपको करना क्या है। पिताजी चाहते थे कि आप डॉक्टर बने, आप कविताएं कर रहे थे, फिर आपने जर्नलिज्म भी कर लिया कि चलिए इसको भी देख लेते हैं। तो एक कवि जिसको पता नहीं था क्या करना है, फिर उसकी राजनीति में कैसे एंट्री होती है, हाँ वो मुझे जानना है। देखिए, इसको इस तरह आपको समझना पड़ेगा, थोड़ा पीछे और इसको पीछे नहीं, आराम से जाइए आप पीछे। ऐसा बताइए जो आज तक नहीं बताया, क्योंकि आप बात ही नहीं करते। अमूमन है क्या कि जब मैं कवि सम्मेलन पढ़ रहा था तो मैं कविताएं प्रेम की, बड़ी मतलब शांत सी कविताएं, जैसा कि एक भावुक युवा अवस्था में लिखी जाती हैं, वो लिख रहा था। लेकिन मुझे उसी दौरान देश में ऐसा कुछ घटित भी हो रहा था जो समाज को तोड़ रहा था, समाज को बांट रहा था। 2013 के आसपास आपने देखा होगा कि कई तरह के मूवमेंट हुए देश में। एक अन्ना मूवमेंट हुआ जिसमें कई कई लोग नेता बन गए और एक नई सरकार का जन्म भी। अच्छा, मैं इतना तब तक देश घूम चुका था तो मुझे ये लगा कि अन्ना आंदोलन के दौरान, उस दौरान मुझे भी मतलब न्योता आया, सबको न्योता जा रहा था, जो भी थोड़े बहुत पॉपुलर लोग थे अलग अलग विधा के, मुझे भी न्योता आया। पता नहीं क्यों मुझे अंदर से लगा कि नहीं, ये आंदोलन आंदोलन जैसा नहीं है, इसके पीछे कोई है। अच्छा। जबकि मैं उस समय बहुत, मतलब मैं नहीं कह सकता कि मैं बहुत मैच्योर था, आज से 10 साल पहले जाहिर सी बात है 25 साल का लड़का गांव का छोटे शहर का कितना मैच्योर हो सकता है। तो मैं भी बहुत ज्यादा मैच्योर नहीं था, लेकिन मुझे लगा कि इस आंदोलन के पीछे आरएसएस है। अच्छा। तब तक इतना समझ गए थे कि लेफ्ट क्या है, राइट क्या है, सेंटर क्या है। और उस दौरान ही नहीं आया मैं उसमें। फिर मुझे लगा कि एक कवि सम्मेलन और मुशायरों में एक, मैं मतलब थोड़ी सी ये राजनीतिक बात है, उसी दौरान मैंने ये देखा कि एक दल है जो कवि सम्मेलनों का बहुत राजनीतिक इस्तेमाल कर रहा था। संस्कार भारती उनका एक संगठन है, उसके बैनर तले कवि सम्मेलन होते थे छोटे छोटे शहरों में। आज भी छोटे कस्बाई इलाकों में कवि सम्मेलनों को लेकर के, कवियों को लेकर के एक बड़ी श्रद्धापूर्वक एक आदर है उनका, उनको बौद्धिक माना जाता है। तो मैं ये देखता था कि 5,000, 7,000, 10,000 की भीड़ आराम से किसी कवि सम्मेलन में उपलब्ध हो जाती थी, किसी भी कस्बे में जो हिंदी भाषी भारत है उसमें। और फिर वहां एक तरह से वैचारिक तौर पर अपनी विचारधारा की कविताएं होती थी। मैं उस मंच पे अकेला मुसलमान होता था, मैं शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, तो वो दिखता था कि कविता कहाँ से शुरू हो रही है और कहाँ आके खत्म हो रही है और इस पूरे कार्यक्रम की मंशा क्या है। धीरे धीरे समझ आने लगी थी मुझे। तो मुझे लगा कि यार देश में कवि सम्मेलनों का ये इस्तेमाल हो रहा है, मुशायरों का ये इस्तेमाल हो रहा है, तो मुझे लगा ये प्लेटफॉर्म बहुत अच्छा है, इस प्लेटफॉर्म का राजनीतिक इस्तेमाल होना चाहिए। मतलब मैं राजनीतिक इस्तेमाल शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, क्योंकि पूरी रात कवि सम्मेलन मुशायरे हो रहे हैं और महबूबा के जुल्फ आंचल लबो रुखसार पर बात हो रही है, सार्थक बात होनी चाहिए। मुझे लगा कि इससे मैसेजिंग होनी चाहिए। फिर 13-14 वही जो समय था, सरकार बदली, परिस्थितियां बदली, थोड़ा थोड़ा रचनात्मकता पे भी कैंचियां चलने लगी, थोड़ा शिकंजा कसा जाने लगा, वो सब मेरे बाल मन पे बहुत असर डाल रहा था। okay. और फिर जब मैं मुशायरों में थोड़ा पॉपुलर हुआ, मैंने कुछ मुद्दों पे नज़में कही। 2015 में जब अखलाक को लिंच किया गया तो मैंने एक नज्म कही उस दौरान, और मुझे याद है कि मैंने जामिया में मुशायरा था, मैंने पढ़ी तो मेरे साथ लोग रोए उसमें। नजीब 16 में हुआ तो मैंने नजीब पर एक नज्म कही, वो बहुत सुनी गई पूरे देश दुनिया में। तो मैंने कश्मीर पे नज्म कही, मतलब जो विषय थे इस देश कश्मीर के, वाली अगर कश्मीर की एक बड़ी अच्छी नज्म है और वो बहुत सुनी गई, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूँ। मुझे लगता था कि कश्मीर को कभी सियासत के चश्मे से देखा जाता है, कभी सियासत के ही चश्मे से देखा जाता है। कश्मीर को कश्मीर के चश्मे से किसी ने नहीं देखा। राइट,
इस सब में कश्मीरियत पिस रही थी। मैं कभी कश्मीर गया नहीं था, लेकिन शायर कभी कल्पना के थ्रू पहुंचता है वहां, तो मैंने नज्म कही, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूं, ना बुजुर्गों के ख्वाबों की ताबीर हूं, ना मैं जन्नत सी अब कोई तस्वीर हूं, जिसको मिलकर के सदियों से लूटा गया, मैं वो उजड़ी हुई एक जागीर हूं, हाँ मैं कश्मीर हूं, हाँ मैं कश्मीर हूं। तो वो नज्म जो है वो बहुत पॉपुलर हुई, बहुत सुनी गई दुनिया भर में, बाहर भी मुशायरों में, दुबई, ओमान, दोहा, कहाँ जहाँ जहाँ देश में, दुनिया में भारत के लोग रह रहे हैं, उर्दू हिंदी के लोग रह रहे हैं, वहाँ सुना जाने लगा, पैसे आने लगे, तो जिंदगी एकदम बदल सी गई। चलिए, और तो पहली बार कम नहीं होता आया कांग्रेस से, और कांग्रेस ही क्यों? देखिए, मैं, मेरे लिए बहुत आसान था कि मैं समाजवादी को चुन सकता था, बहुजन समाजवादी पार्टी को चुन सकता था। तो चूंकि मुझे 16 में यश भारती मिली, सपा से रिश्ता यूं अच्छा था क्योंकि धर्मेंद्र यादव यूनिवर्सिटी में मेरे सीनियर थे। अच्छा, तो जो छात्र राजनीति थी उनमें बड़ा दखल था उनका। मैं अपनी कवि सम्मेलनों और थोड़ा साहित्यिक होने की वजह से यूनिवर्सिटी में पॉपुलर था, तो जिसको भी छात्र राजनीति करनी रहती थी, हमारे जैसे नौजवानों की, उनको बड़ी आवश्यकता रहती थी कि आइए आइए मंच सजाओ बनाइए। अच्छा, हम लोग भी, जैसा होता है ना कि हम तो गांव से आए थे, वो शाहिद जमाल का एक शेर है कि जो भी मिलता है उसी को देखने लगता हूं मैं, क्या करूं मजबूरियां हैं, गांव से आया हूं मैं तेरे साहिल पे आया हूं कि देखूं तेरा जर्फ, ऐ समंदर किसने तुझसे कह दिया प्यासा हूं मैं। हमें मंच की जरूरत थी, वो किसी का भी मंच हो। हाँ, मैं तो बोल रहा मतलब सजा है मंच, वो किसी भी पार्टी का हो, हम आए, हम मंच पे खड़े हुए, और उसके बाद हमने अपना उस समय जो तात्कालिक चीजें थी, कविता सुनाई, महफिल लूटी, पुरस्कार मिला या मानदेय मिला, सॉल मिली, बात खत्म, आगे पूरी जिंदगी। जिस वजह से अभी भी घेरा जाता है कि आप उनके मंच पर क्यों थे, अरे वो बड़ा बवाल हुआ था, उनके लिए कविता क्यों पढ़ दी, जबकि उसकी पूरी सच्चाई ये होती थी कि आप ठीक है। अच्छा, हम ऐसी जगह, वैसा ही है, मैं बता दूं, ऐसी जगह पैदा हुए ना, प्रतापगढ़, दाहिनी तरफ नजर दौड़ाओ तो फलाने सिंह, दाहिनी तरफ नजर दौड़ाओ तो फलाने भाई, उधर नजर दौड़ाओ तो एक जिनके ऊपर 80 मुकदमे, इधर मुकदमा, मतलब जिस जिले में जाओ एक माफिया, एक बाहुबली बैठा हुआ है। अच्छा, वो राजनीति में सक्रिय है, वो विधायक है या सांसद है, तो आपको अगर कवि सम्मेलन मंचों पे जाना है तो वो बतौर मुख्य अतिथि मिल रहा है। इसमें मैं ऐड कर दूं, वो इसलिए होता था, आपको ध्यान होगा, हम ना क्रिकेट खेलते थे, तो हमें, जैसे मैं ओपनर था तो मेरी वैल्यू मार्केट में बहुत थी उस समय, तो मुझे ओपनिंग करने के 25 रुपए मिलते थे, तो मुझे कोई भी टीम ले जाती थी 25 रुपए में ओपनिंग करा लेती, मैं चला जाता था। एक बार क्या हुआ, मेरे पापा ने मुझे बोला कि तुम जहां जिस टीम से खेल के आए हो तुम्हें पता है वो शराबी आदमी है, तो मैंने बोला कि मुझे 25 रुपए मिल रहे थे, मुझे नहीं पता कि वो शराबी था। उसने मुझे बोला ओपनिंग करो 25 रुपए दे देंगे, तो हम चले गए थे। तो वही है वो, सच में वो, मतलब यही एक सच्चाई है कि क्रिकेट खेलने का मजा, भाई हमारी जो प्रतिभा थी उसके लिए मंच की जरूरत है, मंच नहीं मिलेगा तो प्रतिभा मर जाएगी। राइट, तो जो भी कवि सम्मेलन करा रहा है अब, हम उससे पूछें कि कौन मुख्य अतिथि है, तो ये पूछने की तब तक हैसियत भी नहीं थी, अब तो पूछ सकते हैं कि भाई ठीक है, अब तो तब तो यह है कि भाई कवि सम्मेलन हो रहा है, एक संस्था करा रही है, हम जा रहे हैं, दैट्स ऑल। सपा के ही, उस समय सरकार थी सपा की, तो उनके मंत्री, उनके विधायक गण कवि सम्मेलन मुशायरे ज्यादा करवाते थे, ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, तो उनके कार्यक्रमों में जाना भी खूब होता था। तो इस वजह से वो पॉपुलर होने की वजह से समाजवादी के भी बहुत सारे नेताओं ने चाहा कि मैं समाजवादी आऊं, फिर जब मुझे यश भारती मिली तो ये कयास लगने लगा कि नहीं मैं तो अब समाजवादी ज्वाइन ही कर लूंगा। लेकिन उसी दौरान राहुल गांधी जी की राजनीति को समझना शुरू किया मैंने, दिल्ली आया तो उनके किस्से सुनता था, तो मुझे लगता था कि नहीं वो व्यक्ति कुछ अलग करना चाहता है। 17 में मुझे उनसे मिलने के लिए बुलाया गया, और जब मैं पहली बार उनसे मिलने गया तो 15-20 मिनट की मुलाकात, यह था कि 15 मिनट बात करेंगे राहुल जी, और मुझे याद है कि तकरीबन 1 घंटे से ज़्यादा बात किया उन्होंने। अच्छा, और बहुत सारे सवाल शायरी से रिलेटेड, चूँकि मैं वो अमेठी के सांसद थे, मैं बगल में प्रतापगढ़ से था, तो मेरे पास भी बहुत सारे किस्से थे, तो मैंने भी बहुत सारी बातें की। अच्छा, तब तक मुझे राजनीति और ये कोई वो नहीं था कि वो हमारे नेता हैं या मैं उनका एक साथी या सिपाही या कार्यकर्ता हूँ, तो मैंने बहुत, जैसे होता ना, सहज भाव में उनसे बात की, और मुझे लगता है कि उनको वो सहजता, वो बेबाकी और एक क्लियर विजन के, नहीं अल्टीमेट देश का संविधान और देश का जो लोकतंत्र है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है। पीढ़ियां दर पीढ़ियां खत्म होती रहेंगी, लेकिन अगर संविधान रहेगा, लोकतंत्र रहेगा,
तब शायद देश रहे, मेरा अपना मानना है कि देश बनता ही इन्हीं चीजों से है। तो इस वजह से उन्हें चीजें पसंद आई और फिर मुलाकातें कई हुई उनसे, कई बार हुई, और फिर 2019 आते आते उन्होंने कहा कि तुम जिस तरह की शायरी करते हो इसका हल चाहते हो या सिर्फ शायरी ही करना है? तो मैंने कहा नहीं, जाहिर सी बात है मैं नहीं चाहता कि कोई नजीब की माँ फिर अपने बेटे के लिए रोए, मैं नहीं चाहता कि लिंचिंग में कोई मारा जाए, मैं नहीं चाहता कि हादसे हों। फिर उन्होंने कहा कि तुम आओ राजनीति में, आओ, अच्छे लोगों की जरूरत है राजनीति को। 2019 में राजनीति का हिस्सा हो गया। ये पूरा 4 साल का तकरीबन राजनीतिक सफर है। उसके बाद से तो फिर लगातार हम आपको कवर कर ही रहे हैं, काफ़ी जगह आपकी कविताएं वायरल होती हैं, अब तो आपके भाषण वायरल होते हैं। अभी जब रायपुर में अधिवेशन हुआ था उसमें जो आपने मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा थोड़ा अंदर का शायर भी बचा के रखूँ और थोड़ा थोड़ा जो ढर्रा है राजनीति का उसको भी अपने अंदर शामिल करूँ। तो अभी अब थोड़ी शायरी पे आ जाते हैं, कोई एक अच्छी सी शायरी हो जाए, 4 लाइनें हो जाए, 2 लाइनें हो जाए, क्योंकि बीच बीच में अगर ये मैं नहीं डालूंगा ना तो लोगों को लगेगा फिर आप इमरान के पास गए। हाँ, मतलब शायर से आप बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप सिर्फ सांसद से बात कर रहे हैं। देखिए, मैंने कहा ना मैं मुद्दों की शायरी करता रहा, जब सरकार बनी ये वाली और अच्छे दिनों के नारे लगने शुरू हुए और महज 1.5 साल के अंदर वो अच्छे दिन के नारे भी बड़े झूठे लगने लगे। तब मैंने उस समय शेर कहा था कि मोहब्बत भाईचारे के दीवाने दिन ही लौटा दो, वो सस्ती दाल सब्जी के सुहाने दिन ही लौटा दो, ये अच्छे दिन तो अंबानी अडानी को मुबारक हो, हमें ऐसा करो साहब पुराने दिन ही लौटा दो। तो मैं मतलब कोशिश करता था कि इस तरह की चीजें, और आपको याद होगा बहुत पॉपुलर हुआ था जब बिहार चुनाव में 38-39 हेलीकॉप्टर उड़ते थे भाजपा के, लेकिन फिर भी भाजपा हारी। तो आपको याद होगा, तो मैं वैसे चुटकी लेने के लिए मैंने 4 मिसरे कहे के दूध ने चाय को हरा डाला। वो सिंपल समझिएगा, दूध ने चाय को हरा डाला, भैंस ने गाय को हरा डाला। शब्दों से मारते हो ना, वो बड़ा डेडली कॉम्बिनेशन हो जाता है अगर पॉलिटिशियन। तो आप कुछ नहीं कह रहे हो लेकिन सब कुछ कह दे रहे हो, तो वो नहीं, ये कंटिन्यू करिए आप। तो ये सब करता रहा मैं। फिर मुझे याद है कि जब मैं राहुल जी से मिला तो उन्होंने फिर दीदी से भी मेरी मुलाकात हुई, प्रियंका जी से, तो उनके सामने जिक्र हुआ, तो उस समय मेरी एक कविता वायरल हुई थी खूब, वाह रे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार। तो पहली बार जो चौकीदार शब्द को जिस तरह से उन्होंने देश दुनिया के सामने रख करके और उसका फायदा उठाया था, पहली बार उनको चौकीदार कह करके, चौकीदार चोर वाले नारे से पहले की कविता है मेरी, पहली कविता, वो मुझे पता। तो उस कविता के जरिए जब मैंने हिट किया तो वो राजनीतिक हलके में बहुत पॉपुलर हुई, बहुत पॉपुलर। उसकी 2 लाइनें हो जाती, वो वाह रे देश के चौकीदार, विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार, वाह रे देश के चौकीदार। तो ये कविता खूब वायरल हुई, फिर राजनीतिक लोगों ने भी इस कविता को खूब सुना। तो इस वजह से मुझे लगता है कि राजनीतिक लोगों को भी लगा कि नहीं, असल में तो ये कविता की राजनीति कर रहा है। तो राजनीति की कविता और कविता की राजनीति दोनों बहुत अलग चीज है, लेकिन मैं दोनों एक तरह से हो रही थी अपने आप। मेरा अपना मानना है कि मैं कुछ प्लान करके नहीं कर रहे थे, मैं प्लान में यहां तक नहीं पहुंचा, सब कुछ अपने आप होता गया। वो मुझे पता है, जब जिस दौर से हम लोग आए हैं वहां प्लान बहुत कुछ होता नहीं है, होता नहीं था। और मुझे लगता है ये प्लान करके जिंदगी तो बहुत व्यवस्थित जिंदगी तो ठीक है, वो मुझे पसंद भी नहीं है। फिर वो सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी होती है, फिर तो कहीं स्कूल में आप प्राइमरी के टीचर हो जाओ या किसी यूनिवर्सिटी में आप लेक्चरर हो जाओ और ठीक ठाक तनख्वाह रहे, सुबह जाओ शाम में लौटो, ठीक है। मैंने ना ये आने से पहले कुछ आपके इंस्टाग्राम पोस्ट और कुछ लोगों से बात की, तो उन लोगों के सवाल आए, तो मैंने ये कुछ निकाल के भी रखे। तो ये एक आपने ये पिक्चर पोस्ट किया था, ये जब मैं एडिट कराऊंगा तो लगा दूंगा। इस पर किसी ने नीचे लिखा है, भाई दाढ़ी पक गई है अब शादी कर लो। हाँ, इस तरह के कमेंट कभी कभी आते हैं। नहीं नहीं, कमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पूछ रहा है कुछ। हाँ, भाई शादी का, शादी बड़ा मतलब एक महत्वपूर्ण विषय है। अब तो देखिए, मैं तो अब ये कह के बच लेता हूँ कि देखिए भाई, मैं कांग्रेस पार्टी में हूँ, जब तक हमारा नेता शादी नहीं करे तब तक मैं कैसे कर लूँ। मैं तो अपने नेता के पीछे पीछे चल रहा हूँ, जिस दिन हमारा नेता शादी करेगा उसके बाद हम छोटे जो कार्यकर्ता हैं उनका नंबर लगेगा। लेकिन की जाएगी, अभी सोच रहा हूँ बहुत काम है।
एक्चुअली जब से अल्पसंख्यक विभाग का अध्यक्ष बना तो पिछले दो साल में जिंदगी बहुत व्यस्त हो गई, बहुत ज्यादा, और मेरा मानना है कि पार्टी ने भरोसा करके मुझे एक विभाग की जिम्मेदारी दी, तो मुझे उसके साथ न्याय भी करना था। तो सच में फिर ना तो मुशायरों के लिए समय बचा, न तो व्यक्तिगत लाइफ के लिए समय बचा। नहीं, वो तो मुझे पता है, मैं दो महीने से ट्राई कर रहा हूँ आज जाके। नहीं, मैं आपसे लिटरली कई दिन से बात करना चाह रहा था। बात तो हमारी हो ही रही थी, बात तो हमारी काफी दिन से हो रही है। अच्छा, ये दूसरा पिक्चर है, ये आप तबियत आपकी शायद नासाज थी, मैंने भी असम में उस समय आपसे बात हुई थी, तो ये कि आराधना जी हैं, जब आपने ये पिक्चर डाली तो ऐसे बहुत सारे कमेंट थे, मैंने आराधना जी का लिया है, इन्होंने लिखा गेट वेल सून, बट सर रेस्ट करो, आप डॉक्टर्स की सलाह मान लो, बहुत जरूरी है, भगवान आपको जल्दी ठीक कर देगा। ये लोगों का प्यार है, ये बहुत बड़ा प्यार है और बहुत बड़ा समर्थन है ये। और मैं उन खुशनसीब लोगों में हूँ हेमंत जी के, जिन्हें तमाम दायरे तोड़ करके लोग प्यार करते हैं, और उसमें ना तो धर्म का बंधन है, ना हर उम्र का एक प्रशंसक वर्ग है, तो और वो राजनीति से इतर हटके, ये मेरा जो पहले वाला जो श्रोता वर्ग है ना, प्रशंसक वर्ग है, वो ये है, वो है, और मैं उसके लिए अभी भी कोशिश करता हूँ कि वो बना रहे, बचा रहे तो अच्छा है, और उन्हीं की दुआएं हैं। मैं मुझे सर्वाइकल था, मैं 15 दिन बेड पे था, बहुत बुरी तरह मैं मुंबई कार्यक्रमों में था, उसी दौरान पेन शुरू हुआ, तो फिर 15-20 दिन बहुत बुरे दर्द में गुजरे, MRI कराया जिंदगी में पहली बार, तो ऐसा लगा जैसे किसी MRI दुनिया का सबसे मुश्किल काम लगा मुझे, के अंदर जाओ ना तो लगता है कि आप 2 फीट की भी ऊंचाई नहीं है, और एकदम जैसे ऐसा लगा कि हाँ बस कब्र में डाल दिया गया, या जो विद्युत शवदाग्री होते हैं ना, ऐसा फील आ रहा था मुझे। आप जिंदगी में हमारा ही नहीं करा सकता मैं दोबारा, तो लेकिन दर्द इतना था कि कराना पड़ा, लेकिन ठीक है, चिकित्सा विज्ञान में करना पड़ता। एक ये पिक्चर थी आपकी, ये आपने डाली थी, इसके नीचे एक इन्होंने कमेंट किया कि अब तो शादी कर लो सब कुछ अच्छा लगेगा, अब आपने पता नहीं लिखा क्या होगा। देखो ये इनका तजुर्बा हो सकता है कि सब कुछ अच्छा लगेगा, मैं तो ऐसे भी मित्रों को जानता हूँ जिन्होंने शादी कर ली उसके बाद उन्हें कुछ अच्छा नहीं लगा। हमारे सामने उदाहरण के तौर पे हमारे साथ काम करने वाले कुछ लोग हैं, जो मेरा ऑफिस है उसमें। चलो ये अभी उस पर भी आए, आपको क्या लगता है शादी के बाद जिंदगी अच्छी होती है, शादी के बाद अच्छी होती है? मुझे देखिए ये सवाल तब तक कोई भी व्यक्ति सही से इसका जवाब नहीं दे सकता, जो इसका जवाब मुझे लगता है मोदी जी ज्यादा बेहतर दे सकते हैं, क्योंकि उन्होंने शादी के पहले ही जिंदगी थी और बाद में करने के बाद भी एक अलग जिंदगी थी। तो नहीं नहीं, आपका मेरा मानना है कि शादी से पहले की जिंदगी ज्यादा अच्छी है। आपने करी तो है नहीं, फिर भी मतलब जितना देख रहे हैं, करनी नहीं चाहिए शादी, आपको लगता है तो ज्यादा काम कर सकते हैं? बिल्कुल शादी करनी चाहिए, करनी चाहिए, करनी चाहिए, और गृहस्थ जीवन जो है ना वो बहुत जरूरी है। मेरी मम्मी हमेशा कहा करती थी कि दूल्हा बिना दाढ़ी मूछ का अच्छा लगता है, मतलब जब तक उसके दाढ़ी मूछ ना निकली हो तभी का दूल्हा अच्छा लगता है, फिर दाढ़ी मूछ निकल आई तो फिर वो दूल्हा क्या है, ठीक है फिर तो फॉर्मेलिटी है। तो अब तो हम लोग उस उम्र के दायरे से बाहर निकल गए, लेकिन करनी है। अब मैं सोचता हूँ 24 में सरकार बदल लें, उसके बाद करेंगे सरकार बदल लें, और फिर अब जब मेरी राहुल जी से मुलाकात होगी ना, हाँ तो कहिएगा कि भाई कोई कहे ना कहे, कम से कम इमरान अपने मुंह से तो नहीं बोल सकते हैं। दो ही लोग हैं देश में जो उनसे ये बात कह सकते हैं, एक लालू जी ने कही थी, एक मैं भी निवेदन कर रहा हूँ। लालू जी वो हैं जिनको एक्सपीरियंस है शादी का, आप लेना चाहते हैं तो राहुल जी को शादी करनी चाहिए। नहीं, मैं रुका हुआ हूँ उनकी वजह से। हाँ। चलिए ठीक है। हाँ, एक और सवाल है, एक ये पंकज भाई हैं, PK, इन्होंने याद करके अपना अकाउंट बनाया, इनके मैंने जब मैं रिसर्च कर रहा था तो मैंने देखा कई दिनों से बोल रहे हैं, इमरान सर मैं पंकज यादव UP के लखनऊ जिले का रहने वाला हूँ, आपसे मुलाकात कब और कहाँ हो सकती है, आपको पहले भी SMS कर चुका हूँ, मोबाइल नंबर मेरा ही है, रिप्लाई प्लीज। तो अपनी टीम को बोलिए भाई। नहीं मैं बिल्कुल नहीं, मैं ज्यादातर मैं लोगों के कमेंट कोशिश करता हूँ कि मैं खुद पढ़ूं, जब मैं फ्री होता हूँ तो मैं कम से कम ट्विटर के और पहले फेसबुक पे, चूंकि मेरा मानना है कि ट्विटर पर तो मतलब एलीट तबका है, हाँ, वो है इंस्टाग्राम, उसको बहुत काम ऑन नहीं होता, वो तो अलग ही तरह का नैरेटिव बनाने वाला तबका है। असल में जो क्राउड है और भारत की असल जो जनता है वो फेसबुक और इंस्टा पे है, या यूट्यूब पे भी आजकल वो थोड़ा सक्रिय हुई है, तो मैं फेसबुक के कमेंट और इंस्टा के कमेंट कभी कभी पढ़ता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। अब थोड़ा सा मुश्किल ये आ गई, मैं मतलब बहुत व्यक्तिगत बताऊं कि अब हुआ है क्या ना कि एक बड़ा प्रशंसक वर्ग आपका वो महिलाओं का है, चूंकि कवि सम्मेलन और मुशायरों में, अब रिप्लाई करना एक बड़ा बवाल है, उस पे आऊंगा कि उसका कौन क्या कब मिसयूज कर ले। तो मैं पहले अमूमन इनबॉक्स में भी जो मैसेजेस आते थे, मतलब कई के ऐसे प्रशंसक हैं, मैं आपको उनके मैसेजेस दिखाऊंगा, मैं पढ़ने के बाद हंसता भी हूँ, फिर सोचता भी हूँ और अफसोस भी करता हूँ कि मैं जवाब नहीं दे पा रहा हूँ, कि वो दो दो तीन तीन साल से मतलब
बड़ा मोहब्बत भरे मैसेजेस और अब बड़े अच्छे, मतलब कोई उसमें वो नहीं है, किए जा रहे हैं और मैं देख रहा हूँ कि मैंने कभी उनको रिप्लाई नहीं किया, फिर भी मैसेजेस करते रहते हैं रेगुलर, ऐसे सैकड़ों की तादाद में लोग हैं। लेकिन अब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हूँ, नहीं नहीं समझ सकता, और बहुत सारी मजबूरियां भी हैं कि उसका कब कौन क्या मिसयूज कर रहा है, आजकल तो वो भी ना एंजल प्रिया के नाम से, तो हाँ इस तरह की चीज नहीं, मैं मतलब ढेर सारे प्रशंसक तो ऐसे हैं कि मैं जिन्हें कहीं ना कहीं समझ में आ गया कि नहीं वो ओरिजिनल अकाउंट है। हाँ। तो मेरे फेसबुक पे ऐसे ऐसे प्रशंसक हैं जो पिछले 10 साल से हैं, और उनके उनके कमेंट पे जितने लाइक आते हैं उतने देश के कई बड़े राजनेताओं के पोस्ट पे नहीं आते, मतलब कमेंट के लाइक लिटरली। हाँ। पता चला उन्होंने कमेंट किया और उनके 2000 लाइक है कमेंट के। हाँ। तो वो पॉपुलर है, वो बहुत पॉपुलर है हमारे हल्के में। हाँ। लेकिन अब यह है कि बहुत रिप्लाई नहीं कर पाता, बट मैं पंकज जी को रिप्लाई करूंगा। और एक बात मैं चैनल के माध्यम से कह दूं कि मैं अगर दिल्ली हूं तो मैं AICC ऑफिस में अमूमन हर दूसरे दिन तीसरे दिन जरूर बैठता हूं, और जब बैठता हूं तो किसी अपॉइंटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं, आप पोस्ट भी डाल देते हैं, आप सीधे आइए। हाँ। अमूमन मैं फेसबुक पे अपडेट कर देता हूं, और अगर मैंने फेसबुक पे कहीं बाहर जाने के लिए ट्विटर पे अपडेट नहीं किया है कि मैं दिल्ली हूं, मैं दिल्ली के बाहर हूं, तो समझ लीजिए कि मैं AICC ऑफिस में हूं। आइए, स्वागत है। स्वागत है। एक एक हितेश नाम का अकाउंट है, इन्होंने आपको एक सजेशन भेजा है। ये क्या है? कांग्रेस पार्टी को एक यात्रा, उत्तर प्रदेश जोड़ो यात्रा भी निकालनी। हाँ, चाहिए। ये मुझे बहुत सारे लोगों ने व्यक्तिगत तौर पे भी ये बात कही कि उत्तर प्रदेश में भी एक यात्रा जो है, खास तौर से देखिए उत्तर प्रदेश अपने आप में भारत है। हाँ, अपने आप में तो उत्तर प्रदेश को लेकर के बड़ी किंवदंतियां, बड़ी कहानियां हैं कि जब अलग अलग राज्यों में जब मतलब भारत का लोकतंत्र और सब नाम रखे जा रहे थे राज्यों के, तो सब राज्यों से नाम मांगे गए कि आप अपना नाम कैसे, क्या कौन सा नाम सही रहेगा, जो सुझाव मांगे गए तो उत्तर प्रदेश ने अपना नाम भारत भेजा था कि भारत बाकी भाई भारत तो पूरा देश है, मिल करके भारत है, बोले नहीं नहीं, नहीं हम देश तो अपने आप में भारत है। तो उत्तर प्रदेश अपने आप में एक भारत है, और उत्तर प्रदेश में एक यात्रा, और जिस तरह से महज 3 दिन 2.5 दिन की यात्रा उत्तर प्रदेश में भारत जोड़ो गुजरी ना, और जो समर्थन मिला, जन समर्थन, वो दर्शाता है कि बहुत लोग उत्सुक हैं और जुड़ना चाहते हैं, और मुझे लगता है कि जल्दी ही पार्टी से विचार भी करेगी, और कम से कम मैं अभी पूरे उत्तर प्रदेश में निकलने वाला हूँ। चलिए, बरसात के बाद जो आपने बोला ये लास्ट मैं ले लेता हूँ। एक पिक्चर है आपका, बड़ा अच्छा पिक्चर है, आपने ब्लैक ड्रेस में डाला हुआ है, इसमें किसी ने मैसेज किया है, मैं नाम नहीं पढ़ूंगा उनका, उन्होंने लिखा है कि आप देखिए लिख रही हैं, इमरान भाई गर्ल्स फैन भी आपसे मिलना चाहते हैं, क्या आप मिल सकते हैं? फिर बोल रही कि मिल सकते हैं, आंसर मी प्लीज। एक्चुअली अभी जैसे मैं बोल दिया, मैं जवाब देता हूं, इस पे आप अनकंफर्टेबल होंगे? नहीं, मैं अनकंफर्टेबल AICC में आप आए इमरान भाई, आप मैं AICC में भी एक दो बार ऐसा हुआ, अभी मैं एक दिन AICC बैठा हुआ था। हाँ। तो मैंने देखा कि एक बिल्कुल नकाब में एक महिला आई, उनके साथ कोई बच्ची भी थी, तो मुझे लगा कि समस्या लेकर के या फिर पार्टी की कोई वर्कर होंगी, तो आई तो मैंने कहा जी बताए। अच्छा, मेरे ऑफिस में और 2-4 लोग बैठे हुए थे, मैं कोशिश करता हूँ कि महिला आ रही तो 2-4 लोग और भी बैठे हैं तो ठीक है, थोड़ा नहीं नहीं मतलब ठीक है। हाँ। दौर ऐसा है। नहीं 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 सही बात। तो वो आई तो मैंने कहा जी बताएं, बोले नहीं बस मैं आपसे मिलने आई थी। तो मैंने कहा कि अच्छा कोई काम? तो वो बेचारी प्रशंसक थी, फिर उन्होंने बड़ा सा दिल जैसे होता है ना, हर चीज वाला जो पहले मिला करते थे हम लोग यूनिवर्सिटी के दौरान, तो उन्होंने भेंट किया। अब सहजता से आप कोई भेंट कर रहा है तो आपको लेना ही पड़े। हाँ। तो उन्होंने फोटो खिंचवाई, अगले दिन मुझे सैकड़ों लोगों ने वही फोटो इनबॉक्स में भेजी कि अच्छा अब ऑफिस में आपसे मिल ली, हम नहीं मिल पाए। हाँ। तो मेरी गुजारिश है कि ऐसे प्रशंसक आए, शालीनता से आए, दिल विल लेके ना, AICC में स्वागत है। लेकिन और ये 2024 के बाद शादी करेंगे। लेकिन कुछ लड़कियों ने मुझे ये भी बोला है कि हमें पता कैसे चलेगा कि इमरान कैसी लड़की खोजेंगे या कैसी लड़की इनको चाहिए, तो आप एक बार बता दें तो स्वयंवर जब आपका होगा 2024 के बाद तो उस तरीके के कैंडिडेट सप्लाई। देखिए जैसे मैंने अपने करियर को लेके कुछ डिसाइड नहीं किया था कि नहीं, क्या नहीं। बनना है सुनिए मतलब कभी नहीं सोचा था कि मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनूंगा, कभी नहीं सोचा था कि मैं शायर बनूंगा, नहीं कभी ये तो सोचा होगा शादी होगी, मतलब आप सोचने, आपने इतना कहा है ना, आज से सोचना शुरू करूंगा। एकदम बिल्कुल घरेलू सी है, अब जो जाहिर सी बात है घर परिवार को लेके चलने वाली हो, मेरे साथ साथ मेरे माता पिता सबका सम्मान करें, जाहिर सी बात है कोई बहुत मतलब वो हमें नकाब में कैटरीना कैफ नहीं चाहिए, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं
वो बड़ा एक मशहूर वाक्य है कि एक बार बड़े भाई ने छोटे भाई से पूछा कि तुम्हें कैसी लड़की, तुम्हारी शादी होनी है, कैसी लड़की है वो? तो उन्होंने सारी पसंद गिना डाली, तो बोले बताओ, अब इतना मत बताओ, ये बता दो कि हाँ हमको नकाब में कैटरीना कैफ चाहिए। तो बहुत सामान्य परिवार की एक कोई लड़की चाहिए, ठीक है, और ऐसा ही करूँगा। देश देखेगा कि मैंने बहुत सादगी के साथ, बहुत सच में सादी सी शादी की है। वाह। और देश देखेगा इस चीज़ को, बिना जहेज की, एक रुपए बिना जहेज के। मेरा हमेशा से एक कॉन्सेप्ट रहा है, मैं मानता हूँ कि जहेज दुनिया का सबसे बुरा, सही बात, वो एक रस्म है, वो खत्म होनी चाहिए। तो मैं खुद एक उदाहरण प्रस्तुत करूंगा और किसी दिन आप ये देखेंगे कि बड़ी शालीनता से, जैसे धार्मिक रीति रिवाज से शादी करी और सब कुछ। कितने सज्जन इंसान है, देखिए। खैर चलिए, तो एक एक दो लाइनें लड़कियों को आपकी तरफ से हो जाए, जो आपसे, आपको चाहती हैं, आपसे प्रेम करती हैं, यहीं से मैसेज दे दीजिए। देखिए, मैं इस मामले में खुशनसीब हूँ कि मेरा जो प्रशंसक वर्ग है, मैं सच में, मुझे ऐसे से, मेरे पास जिंदगी में ऐसे ऐसे वाक्य हैं कि मुझे किसी बार, एक बार एक व्यक्ति का फोन आया और बड़ा भावुक होकर के उन्होंने कहा कि इमरान साहब, आप कभी सम्मेलन मुशायरों में जाने का क्या पेमेंट लेते हैं? तो मैंने कहा ये लेते हैं, मेरा ऑफिस बात कर लेगा। तो बोले नहीं, आप मुझे सीधे बताएं। तो मैंने कहा क्यों, क्या बात? तो बोले मेरी माँ बेड पर है, हॉस्पिटल में है, और वो चाहती है कि मैं आखिरी बार उस, मतलब उनसे मिल लूँ मरने से पहले। तो वो मेरे, मतलब मैं कांप गया। मैंने कहा नहीं, कहाँ है वो, मैं उनसे मिलने गया फिर फाइनली। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं, और उसमें सारा एक एज का कोई बंधन नहीं है। नहीं नहीं, मैं, और महिलाएं खूब बड़ी तादाद में मेरे लिए दुआएं करती हैं, मुझे प्रेम करती हैं माँ की तरह। कई कई माएँ ऐसी हैं इस देश में कि वो मुझे इतना फोन और इतना मेरा ख्याल रखती हैं कि मेरी सगी माँ उतना नहीं रखती। मैं कभी कभी, जैसे होता ना कि आदमी व्यस्त है, बेटा खाना खाया? तो मुझे लगता है इतना तो मेरी अम्मी नहीं पूछती। कई ऐसे लोग हैं कि वो फोन करेंगे, मेरे पापा तो दो दो तीन तीन दिन गुजर जाता है फोन नहीं करते, आदत पड़ गई है। वो आज तुम्हें देखा, तुम पसीने से, बेटा तुम पसीने में थे, और बेटा तुमने सही से पानी पिया था कि नहीं पसीने जब प्रदर्शन में थे? ऐसे ऐसे लोग, ये जब कमेंट में पढ़ रहा था तो एक कमेंट ये भी था कि आपके चेहरे, ये जो डार्क सर्कल होते हैं, इमरान जी डार्क सर्कल हो रहे हैं, थोड़ा नींद पूरा लीजिए, ये करके भी था, लेकिन वो मैंने लिया नहीं। तो इस तरीके के कमेंट बहुत सारे, वो लगता है कई रात का जागा है मुसव्विर, तस्वीर की आंखों से थकन झांक रही है। तो वो जो मुशायरों की जिंदगी थी, उसमें भी नींद से दुश्मनी रही, क्योंकि कभी सम्मेलन मुशायरे रात में ही होते हैं, सब ऐसी चलन है, वो ऐसा परंपरा है। और फिर जब इधर आए तो बैठना हो नहीं पाता, आज इस शहर में, कल उस शहर में, सफर दर सफर, सफर दर सफर। सबसे ज्यादा मुश्किल होता है ना, कार्यक्रम खत्म हुआ, चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो या कभी सम्मेलन हो, उसके बाद जो भीड़ आई है ना, 5,000-10,000 भीड़ है, उसमें से 1,000 आदमी तो ऐसा है ही जो सेल्फी लेना चाहता है, वो मना भी नहीं कर सकते। अच्छा, वो हम लोग अब बहुत प्रोटोकॉल लेकर के, बाउंसर लेकर के, सिक्योरिटी लेकर चले, तो हमें लगता है कि वो जो वर्ग है, जो हमें जो पसंद करता है, वो दूर हो जाएगा, तो वो लिहाज भी करना पड़ता है। तो इस चक्कर में मैं कोशिश करता हूँ कि उससे मिल लूं। उस मिलने में जो धक्का मुक्की होती है ना, वो पीस डालते हैं, और थोड़ी सेहत मेरी अच्छी है, वरना कई बार जब लौट के आते हैं होटल ना, तो यहाँ के जो फूल है ना, वो जूते से निकलते हैं। जो लोग फूल बरसाए होते हैं, जूता उतारो तो उसमें फूल रहते हैं, तो सोचिए वो कहाँ कहाँ से गुजरे होंगे। तो ये सब होता रहता है। बट जो प्रशंसक हैं, उनसे एक बात कहूँगा कि मैं राजनीति में भले आ गया हूँ, जो मुशायरे के प्रशंसक हैं, उनसे कह रहा हूँ कि मैंने अपने अंदर के शायर को बचा के रखा हुआ है, और मैं अभी कोशिश कर रहा हूँ कि थोड़े मुशायरे भी अटेंड करूँ, अभी कुछ मुशायरों में शिरकत करूंगा मैं। नहीं नहीं, मैं इस शो में भी काफ़ी सारी आपको नज़में मिलेंगी, अभी हमने शुरू किया। हाँ, तो आप वो अपनी फैंस के लिए कुछ दो लाइनें, कौन सा रस बोलते हैं, प्रेम रस? प्रेम रस नहीं, आप राजनीति वाला रस घुसेड़ते हैं उसमें, वो नहीं चलेगा। जब आपको आ जाए याद, तब आप बोलिएगा। मुझे लगता है सब भूल गए हैं, मतलब याद, राजनीति में आने के बाद आदमी फिर प्रेम की कविताएं कहाँ याद रह जाती। ये बहुत, लेकिन बहुत गलत है उसकी जिंदगी में। नहीं नहीं, प्रेम होना चाहिए, प्रेम, आप अपने लोगों से प्रेम तो दर्शाते रहिए, और प्रेम की आपकी कविताएं जरूर आनी चाहिए, सुना देंगे आखिर में। हाँ, मैं लास्ट में रील के लिए भी काम आएंगी ना वो, हाँ, तो वो भी सुनाएंगे। अब आइए याद, आप सुनाइए। मेरी एक बड़ी बड़ी, अच्छा, आपका क्लोजअप ये है शुरुआत, इस तरीके का मामला, जो कंटेंट अच्छा वाला है वो यहाँ रहेगा। शुरुआती दिनों में एक कविता लिखी थी कि लड़कपन का नशा उस पर, मोहब्बत और पागलपन,
थोड़ा सा उसी तरीके से लड़कपन का नशा, उस पर मोहब्बत और पागलपन, उम्र के मोड़ का एक खूबसूरत दौर पागलपन। मेरे घर वाले कहते हैं बड़े अब हो चुके हो तुम, मगर मन फिर भी करता है करूं कुछ और पागलपन, मगर मन फिर भी करता है करूं कुछ और पागलपन। हवा के साथ उड़ने वाले की आवारगी के दिन, मेरी मासूमियत के और मेरी संजीदगी के दिन, कुछ एक टी शर्ट्स, कुछ एक जीन्स और एक कैप छोटी सी, मेरे लैपटॉप और मोबाइल से ये दोस्ती के दिन, अजब सी ये खुशबू फिर भी घर में साथ रहती है, कोई मासूम सी लड़की सफर में साथ रहती है। तो ये वो ख्याल थे जो अब राजनीति में आने के बाद कहीं दूर छूट गए। अब इस तरह की कविताएं सुनाओ ना तो लोग कहेंगे अच्छा सांसद जी इस तरह की कविताएं रोमांटिक हो रहे हैं। सांसद भी बड़ा मसला जिंदगी होती है, लोगों को नहीं समझ आता, इसीलिए मैं जब बैठता हूँ तो फिर मैं वो बातें करता हूँ जो लोगों को नहीं पता है। और कुछ दिल टूटे आशिकों ने भी बोला है कि अगर दिल टूट जाए तो इमरान भाई हमें किस तरीके से संदेश देना चाहेंगे। नहीं नहीं, सबसे बेहतर है कि दिल तोड़िए, टूट जाता है। नहीं नहीं, वो नहीं तोड़ते हैं, मान लीजिए उनका टूट जाता है तो वो डिप्रेशन में चले जाते हैं, बड़ा परेशान हो जाते हैं। वो मेरा एक दोस्त है नदीम शाह, उसका बहुत अच्छा एक शेर है कि नहीं ना आज सही कल जरूर टूटेगा, नहीं ना आज सही कल जरूर टूटेगा, गुरूर किसका रहा है गुरूर टूटेगा, है मशवरा के तो पत्थर बना के रख इसको, ये आईना ही रहा तो जरूर टूटेगा। तो अपने दिल को पत्थर बनाइए, ये मुश्किल दौर है। मेरा भी मन, मैंने प्रेम की कविताएं कम लिखी हाँ। उसका कारण ये रहा ना कि मुझे लगता था कि महबूबा के जुल्फ और आंचल पे कुछ कहने से ज्यादा जरूरी है कि वो माँ जिसका आंचल उसके आंसुओं से भीगा हुआ है उसके लिए कुछ कहा जाए, तो मैं उस पर ज्यादा ध्यान दे रहा था, उस पर ज्यादा कविताएं लिख रहा था, शायद इसीलिए थोड़ा अलग कुछ करने का जुनून था। हबीब जालिब को सुन रहा था तो मुझे लग रहा था कि नहीं, शायर की जिंदगी जो है वो, मेरी एक बड़ी मशहूर नज्म है कि मैं आग से लड़ने निकला हूँ, सच बात की पैरोकारी है, सच बात की पैरोकारी है, 100 झूठ पे एक सच भारी है, हर दौर में सच के साथ रहे शायर की जिम्मेदारी है, मैं आग से लड़ने निकला हूँ अंगारों से क्या डरना, मैं शायर हूँ एक शायर को सरकारों से क्या डरना। तो वो विधा ही अलग हो गई थी, इसलिए मुद्दों पे ज्यादा कह रहा था, अपने मन के प्रेम पे बहुत कम कह पाया जिंदगी में, सच्चाई ये थी। अब कोशिश मैं समझ सकता हूँ कि राहुल गांधी शादी क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि मुद्दे इतने हैं। हाँ, आपने सोचनी ये बात कह दी है। अच्छा, ये भी सही है कि फिर कुछ लोगों ने करके छोड़ क्यों दिए, फिर आप इसको भी जस्टिफाई करने लगेंगे, करना पड़ेगा, है ना। अगर आप बंधन में बंध गए तो फिर निभाना तो पड़ेगा। या तो आप नहीं करिए, हाँ, या तो नहीं करिए, या फिर करिए तो उसे निभाइए आखिरी सांस तक, रिश्ते निभाने। ये देश के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति को भी यही मेरी सलाह है कि की है तो निभाइए। नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर हमारे, केजरीवाल साहब और राहुल गांधी, इन तीन लोगों को आप अपनी कविताओं के जरिए, मतलब कविताएं तो बहुत लंबी हो जाती हैं, दो दो लाइनों में अगर आप अपनी अंदाज में इनको बयां करना चाहें तो सबसे पहले हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी को आप करिए बयां। देखिए वो बड़ा हल्का, मतलब हल्का फुल्का शो है, मतलब हाँ, अच्छी बातचीत वाला। हाँ, अच्छी बात। तो वो दरअसल भारत की राजनीति के सबसे झूठे व्यक्ति हैं, वो झूठ को बड़े सलीके से बोलते हैं, तो इस वजह से वो कभी कविता का विषय बने ही नहीं, मतलब मेरे तो सच्चाई के था। मैं वो जो कुछ कर रहे थे उससे ही इतना कुछ घटनाएं घट रही थी कि मैं उनपे कविताएं लिख रहा था। देखिए कविता दो चीजें होती हैं, या तो किसी से आप बहुत दिल से प्यार करो, मतलब उसके लिए मन में बहुत श्रद्धा हो, सम्मान हो, तब उसके लिए। कभी कभी मेरे साथ होता है ना कि बहुत गैर जरूरी विषयों पे कविताएं हो जाती हैं, और कभी कभी कोई बहुत जरूरी लोग हैं, जैसे राहुल जी के लिए मन से चीजें निकलती हैं, और कभी किसी नेता के लिए नहीं निकलता, मतलब वो नहीं आते ख्याल। तो और जो तीसरा आपने जिनका नाम लिया था, हाँ, वो तो मतलब ठीक है क्योंकि वो, हाँ, बस मैं समझ गया। हाँ, तो अभी कविता नहीं है उनके लिए, मुझे लगता है कि ये छोड़ दिया जाए। राहुल जी के लिए तो लिखता ही रहता हूँ, राहुल जी के लिए तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग वक्त में लिखा मैंने। आपकी मुरीद जो आपसे सबसे अच्छी आपकी जो कविता, मैं उसको तरन्नुम में सुनाऊंगा। हाँ बिल्कुल, तरन्नुम में सुनाता हूँ, सुनाइए। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का,
मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। राहुल जो शब्द है ना उसका काफिया बहुत कम मिलता है, वो जो तुकान जिसको, और मैं खुशनसीब हूँ। मुझे याद है कि उदयपुर चिंतन शिविर के बाद मैं आदरणीय सोनिया जी से पहली बार मिला, तो उन्होंने कहा कि कविताएं लिखते हो, तो मैंने कहा जी मैम। तो उन्होंने कहा कुछ सुनाओ। अच्छा, तो मैंने ये कविताएं उनको उनको भी सुनाई थी सामने बैठ करके। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का। इससे जुड़ा और बड़ा मजे का एक वाक्य, हम सारे सांसद डिटेन हुए, हाँ 7 घंटे डिटेन है, राहुल जी भी, तब राहुल जी सांसद थे, तो थाने में हम लोग डिटेन है, तो राहुल जी ने कहा कि भाई सबको कुछ कुछ सुनाओ, सब उसमें कई सारे टैलेंटेड लोग हैं, तो राहुल जी को सब सुना रहे थे, तो मैंने ये कविता उनको सुनाई और वो रिकॉर्ड कर रहे थे अपने फोन में। उनकी सादगी बहुत कमाल है। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। खौफ नहीं जिसे मुरझाने का, मैं उस गुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। कल भी खुल के साथ खड़ा था, आज भी खुल के साथ खड़ा हूँ। कैसा भी दौर आए लेकिन मैं राहुल के साथ खड़ा हूँ। ये किसने कहा आपसे आंधी के साथ हूँ, मैं गोडसे के दौर में गांधी के साथ हूँ। तो राहुल जी पे खूब कहा जब वो भारत जोड़ो यात्रा लेके निकले थे, उस समय भी कविताएं खूब सारी कहीं। अच्छा, एक बड़ा आम लोगों में ये जानने का वो रहता है, जिज्ञासा रहती है कि जब सांसद, दो सांसद आपस में बात करते हैं, और वो भी तब जैसे आप संसद के बाहर या कैंटीन में, संसद की में जब आप बीजेपी के नेताओं से या बीजेपी सांसदों से मिलते हैं, तो वो मुलाकात कैसे आप होती बड़े है? अंदर के सच जानना चाह रहे हैं। एक्चुअली मैं तो नया आया हूँ साल भर पहले, तो मेरे मन में भी था कि नहीं, मतलब जो सदन और सेंट्रल हॉल का जो नजारा होता होगा वो बड़ा अलग होता होगा। तो जब हम सदन से बाहर निकल के आते हैं, सेंट्रल हॉल पहुंचते हैं, जहाँ कैमरे नहीं जाते, जहाँ आम आदमी वैसे नहीं पहुंच सकता, तो वहां तो मतलब कम से कम कांग्रेस के सांसद तो इस बीच निशाने पे रहते ही हैं, लेकिन कई ऐसे लोग जो टीवी चैनलों पे एक दूसरे के खिलाफ बहुत बड़ी बड़ी बातें और बड़ा एकदम मोर्चा खोले रहते हैं, मैंने उनको सेंट्रल हॉल में बैठ के साथ में एक एक घंटा बात करते देखा है। और बाहर ऐसा लगता है कि मतलब इन्होंने तो दुनिया उठा रखी है टीवी चैनलों पर। तो कभी कोई सांसद आपके बगल से निकला बोला इमरान जी? नहीं, मुझे खुशी इस बात की जब मैंने पहली स्पीच की, मुझे याद है कि जब मैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन के आया और मैं भैया से मिलने गया, राहुल जी से मिलने गया, तो उन्होंने मुझे बहुत अच्छी एक बात कही थी। उन्होंने कहा कि इमरान, जब तुम पहली बार पार्लियामेंट में बोलो तो देश को लगना चाहिए कि कोई सांसद आया है, कोई युवा आया है, और तुम्हारे मुद्दे जो है वो देश के जरूरी जो मुद्दे हैं वो होने चाहिए। तो मेरे मन में था कि मैं पहली बार बोलूंगा, तो वो आप जो कुछ मैंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी पे बोला, फीस वृद्धि पे बोला, मैंने तमाम यूनिवर्सिटियों के कैंपसों की जो स्थिति है उस पर बात की। मुझे खुशी इस बात की हुई है। मैं कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो भाजपा में भी हैं, लेकिन वो मतलब बस ये है कि मजबूरी में चले गए रहे होंगे या मजबूरी में वहां हैं। तो जब मैं बोल के वो भाषण दे करके और दोपहर में ऑफ हुआ और मैं सेंट्रल हॉल में बैठा था, तो मुझे दसियों भाजपा के सांसदों ने आ करके बात कही कि नहीं नहीं आज आपने जो बोला है वो बहुत, हम नहीं बोल सकते, आपने बोला इस बात को, और मुझे बहुत गर्व है कि आपने ये बात बोली। तो मुझे अच्छा लगा कि ठीक है, ये चैनलों पे बैठते हैं तो पता नहीं इनका रौद्र रूप अलग ही हो जाता है, लेकिन कम से कम यहाँ इतनी ईमानदारी रखते हैं। अच्छा, फिल्में देखते हैं? पहले खूब देखते थे। कौन था फेवरेट? पहले होता क्या था ना कि मैं पूरे सर्किल में मैं अकेला कमाऊ दोस्त था, मतलब कमाऊ व्यक्ति था,
तो पता चला कि आज कवि सम्मेलन है इमरान का, तो 5-7 जो 8-10 दोस्त थे वो तय कर लेते थे कि आज यहाँ खाना खाना है, आज फिल्में देखनी है, इसको पकड़ करके इमरान को पकड़ के आज। तो जब कवि सम्मेलन से लौटे तो पैसे होते थे पास में, तो फिर वो फिल्में दिखानी पड़ती थी दोस्तों को, तो देखते थे, खूब देखते थे। किसकी सबसे ज्यादा, कौन सा हीरो? शाहरुख खान बहुत पसंद है। और वो सिर्फ फिल्मों की वजह से नहीं, शाहरुख खान मंच पे बहुत, मतलब मुझे लगता है कि जितने भी हीरोज, जितने भी अदाकार हैं फिल्म इंडस्ट्री में, बॉलीवुड में और कहीं भी, शाहरुख खान सबसे अच्छे, मतलब इसको कहते हैं ना, जिनकी बातचीत सबसे खूबसूरत है और रीढ़ है थोड़ी सी शाहरुख खान। गाने सुनते खूब? गाने नहीं, गजलें सुनता हूँ। गजलें सुनते? ये आजकल के गाने नहीं सुनते आप? आजकल के गाने में कभी एकाध कोई आ जाता है ऐसा कि मतलब चौंका देता है कि नहीं यार ये तो आजकल आया है लेकिन है ये पुराने जमाने का। हाँ। जैसे भी वो एक फिल्म आई थी बाबिल की, फेरो ना नजरिया। हाँ। वो गाना थोड़ा सा डिफरेंट लगा। मस्ती अभी नया आया है? नहीं, ये तो पुराना वाला है इसका, ठीक है। इससे पहले बीच में वो लम्हे का वो गाना आया के वो अगर तू नहीं है तो क्या जिंदगी, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं माना ये मौत। तो ये सब कुछ ऐसे थे जो बीच बीच में आ जाते हैं तो थोड़े से सुनने में अच्छे लगते हैं। बाकी तो फिर मेहंदी हसन, नुसरत फतेह अली खान, जगजीत सिंह जी, तो ये अली साहब को, ये वाले जो आते हैं सबको सुनते हाई गर्मी, इन हाई गर्मी सुनने के बाद ना नहीं सुनते, फिर नहीं आपको गर्मी लगती है तो हाई गर्मी कहाँ सुनोगे आप? मसला ये हो जाता है कि फिर वो मेरा पसंदीदा शौक है गाड़ी चलाना, खुद से ड्राइव करता हूँ मैं। अच्छा, ये मैंने कई जगह सुना भी है, उस दिन भी जब आप आए थे तो पता चलता कि आपने ड्राइवर नहीं रखे हुए हैं। हाँ, नहीं रखा हुआ है। मैं अमूमन पार्लियामेंट में खुद गाड़ी चला के जाता हूँ, अब चूंकि वहां जाना रहता है तो पार्क वार्क करने के लिए वो तो चाहिए, एक आध किसी को रखना पड़ता है। कई जगहों पे तो मजबूरी है कि आपको कोई चाहिए जो गाड़ी संभाल ले। बाकी मुझे मेरी, मतलब कोई भी अच्छे या बुरे, वो मैं भाई मेरे सेंस में वो बुरे शौक हैं लेकिन बहुत लोगों के लिए अच्छे शौक होंगे। मैं पान सिगरेट बीड़ी गुटखा वाला आदमी नहीं हूँ, तो कुछ खाता पीता नहीं। महफिल कैसे जमती है? महफिल जमाने के लिए मुझे लगता है कि गॉसिप, दोस्तों की बातचीत से बड़ा बड़ा कोई कुमार नहीं, महफिल बड़ा कोई नशा नहीं मुझे लगता है, तो वो बहुत अच्छा रहता है। और गाड़ी खुद चला के और गाड़ी में गजलें सुनना अपनी पसंद की यूट्यूब। तो ये आप ये सब जो पब वगैरह नहीं जाते होंगे? कभी जिंदगी में नहीं गए यार, एक दिन चलो मेरे साथ ना, थोड़ा सा देख लेते हैं। नहीं, वो जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। मुझे लगता है कि क्यों जाना चाहिए, वहां पे भी आपके वोटर हो सकते हैं। मुझे लगता है ठीक है, होने चाहिए, उनसे बाहर मिल लेंगे ना, अंदर जाके क्यों मिलेंगे? वो वहां जो काम करने गए हैं बेचारे, उनको वो करने दो, वहां भी जाके राजनीति की बात करना। मुझे नहीं, मैं कभी नहीं गया। और बहुत सारे दोस्त थे जो चाहते थे, कई बार पकड़ने की कोशिश की, बाहर गए मुशायरों में तो वहां आने, आज यहाँ चलो यहाँ क्लब ये वो, यार हम उस, पता लगता है वो उस मिट्टी के थे ही नहीं, वो मजा नहीं आता, वो मिट्टी नहीं थी। हाँ, तो इसलिए वो नहीं गए। और ठीक है, वहां जो जा रहे हैं उनसे वो भी अच्छे, उनकी कोई आलोचना भी नहीं है। हाँ, मुझे लगता है कि हम एक दूसरे को बर्दाश्त करें। मैं, मुझे गजलें अच्छी लगी, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जिनको बहुत, मतलब आज के दौर के गाने पसंद है, पॉप पसंद है और पता नहीं रैप और क्या क्या पसंद है। लेकिन अच्छा एक बात बताऊं मैं आपको, सबको कुछ भी पसंद हो लेकिन जब गाड़ी में लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं ना तो वो 90s के गाने और वो गजलें ही चलती हैं ज्यादातर। असल में आप कवालियां सुनिए पुराने जमाने की। आप दरअसल होता क्या ना, देखिए हम, हमारे एक दोस्त हैं दीपक रूहानी, तो वो बड़े मजे के आदमी, दीपक हैं और नाम रूहानी है, थोड़े शायर भी हैं वो और बड़े लिटरेरी आदमी। तो उनकी एक बड़ी अच्छी सलाह रहती थी कि जैसे ये गजल है, इसको आपने जगजीत सिंह जी की आवाज में सुना, अब इसको गुलाम अली की आवाज में सुनो, फिर इसको अगर मेहंदी हसन ने गाया हो तो मेहंदी हसन की आवाज में सुनो, फिर देखो कि इसको क्या नुसरत साहब ने भी गाया है तो नुसरत साहब की आवाज में सुनो, या बेगम अख्तर को सुना तो देखो कि उनकी गजलों को ट्रिब्यूट के तौर पे अभी कौन गा रहा है। तो वो जो एक खुमार होता है ना सुनने का, वो गुलाम अली साहब ने गाया तो कुछ अलग गाया, जगजीत साहब ने गाया तो कुछ अलग गाया, तो आप उस जोन में जब चले जाते हैं। तो मैंने बहुत सारे लोगों को उसकी लत भी लगाई कि जैसे वो सुनते थे सामान्य गाने, तो मैंने उनसे कहा कि नहीं आप ये सुनो। फिर एक बार मुझे लगता है कि ये सब जो संगीत है इसको बहुत लोगों ने सुना नहीं है, नहीं सुना, जिस दिन सुन लेंगे वो हाई गर्मी वर्मी तो अपने आप ही भूल जाएंगे। बेसिक बात है कि आप पहुंच गए वहां पर, बहुत सारे लोग नहीं पहुंच पाए। राइट, इस बीच थोड़ा सा जैसे उस्ताद शुजात अली को सुन रहा हूं, उनके सितार सुनता हूं, तो
फिर मुझे लगता है कि बाप रे, कभी कभी लगता है कि ना आज, अरे आजकल की लोगों वो नहीं सुना होगा, वो अल्ताफ राजा का नहीं आया था, तुम तो ठहरे परदेसी साथ क्या निभाओगे। हम तो उस दौर में पैदा हुए भाई के हमने टेम्पो, उसे ऑटो नहीं कहते थे हमारे, टेम्पो टेम्पो चलते थे, और वो गणेश जी वाला टेम्पो, गणेश जी वाले में भी सफर किया। तो उस समय तो अताउल्लाह खान का जमाना तो याद है, मतलब वो टेम्पो से लेकर के और अच्छी अच्छी महफिलों तक कौन बचता था, अताउल्लाह खान। और अताउल्लाह खान के बारे में बड़ी कहानियां थी क्योंकि इंटरनेट नहीं आया था ना, तो अताउल्लाह खान हम लोगों को सुनाया जाता था कि वो महबूबा के चक्कर में उसने गोली मार दी उसके प्रेमी को और फिर वो जेल में है, वो इसलिए वो इतने दर्द भरे गाने गा। तो हम उन कहानियों से रिलेट करके उनके उनके गाने सुनते थे, तो हमने वो सुन सुन के बड़े हुए हैं। तो फिर उसी समय अल्ताफ राजा भी आए, उनको भी सुना क्योंकि हमें प्रतापगढ़ पढ़ने जाना रहता था, तो अपने गाँव से प्रतापगढ़ तक वो 15-16 किलोमीटर के सफर में टेम्पो और जीप में वो गाने बजते थे, तो हमने खूब सुना उसको, मजबूरी में सुनो या कहो कि मोहब्बत में सुना। तो गुस्सा आता है किसी बात पे? बहुत कम आता है, बहुत कम आता है, बहुत कम आता है। तो कब आता है और किस बात पे आता है? पॉलिटिक्स नहीं, वैसे नहीं, व्यक्तिगत जिंदगी में भी बहुत कम गुस्सा होता हूँ। मतलब मुझे लोग धीरे धीरे ये कहते हैं कि बहुत ही, मतलब लोगों कहते हैं कि नहीं आप थोड़ा गुस्सा हुआ करो, हुआ करिए। मेरे साथ के लोग कहते हैं कि थोड़ा आप, मतलब आप अपना एटीट्यूड चेंज करिए, आप बहुत ज्यादा सरल हैं, आप सांसद हैं, आप ऐसे आप, मतलब ऑफिस, जैसे मैं आईसीसी गया एक घंटा सोच के गया कि आज एक घंटा बैठू, अब वहाँ पता चला कि 200 आदमी 250 आदमी 300 आदमी मिलने आया हुआ है, तो फिर वो चाहे 6 घंटे लग जाए चाहे 5 घंटे लग जाए, मैं बैठा हूँ तो पूरा ऑफिस परेशान हो जाता है। इरिटेशन होती है किसी बात से? मैं इरिटेट होता भी हूँ तो जाहिर नहीं, जाहिर नहीं करते हैं ये, बस मूर्खता पर इरिटेट होता हूँ लोगों की जो आजकल सहज तौर पे देखने को मिलती है। हाँ, मूर्खता ज्यादा, मतलब ऐसा माहौल बना दिया है। हाँ, हाँ। और कभी कभी आप कुछ देख रहे हो यूट्यूब पे या कहीं कुछ, तो ऐसे ऐसे मूर्खों को सुनना पड़ता है ना, तो लगता है कि यार ये इरिटेट कर रहा है, मतलब फिर अपने हाथ में है तो स्क्रॉल कर देते हैं, चेंज कर। निकनेम है कोई आपका, कभी बचपन में कुछ बुलाते थे? छोड़िए, जाने दीजिए। नहीं नहीं नहीं, वो सबके निकनेम होते हैं यार, वो तो हर आदमी का निकनेम गांव में मम्मी दोस्त रख देते हैं। लेकिन बहुत दिन से एक्चुअली हमने तो अपना तखल्लुस जो है सर ना, मैं तो प्रतापगढ़, बहुत सारे लोगों को आज भी लगता है कि मैं इमरान प्रतापगढ़ ही कैसे हूँ, प्रतापगढ़ कैसे। तो वैसा मैं अभी भी बता दूं कि एक परंपरा है कवि सम्मेलन, मतलब कवियों और शायरों में, जो अपने जिले का नाम, अपने स्थान का नाम जोड़ लेते हैं, जैसे मैंने बताया था पैदा हुआ पॉपुलर मेरठी, या फिर साहिर लुधियानवी, या इस तरह के शकील बदायूनी, मजहर सुल्तानपुरी, तो इस तरह के लोग, जो मजरू साहब हुए सुल्तानपुर, उन्होंने जोड़ लिया, बहुत सारे लोग। तो मैं प्रतापगढ़ में पैदा हुआ, तो मेरा निकनेम कोई जैसा चला नहीं, क्योंकि मेरे साथ तो मेरे बाद का एक उपनाम जुड़ गया ना, इमरान प्रतापगढ़ी। तो फिर अब इमरान प्रतापगढ़ी कोई ना बताए अगर, तो फिर मुझे मतलब मैं खुद को अधूरा पाता हूँ, मुझे लगता है कि नहीं मैं अधूरा बनने कुछ। तो अब बहुत सारे लोग सिर्फ प्रतापगढ़ी ही कहते हैं, तो मुझे लगता है कि ठीक है, मैं एक जहती का कौमी, एक जहती का बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन भी हूँ। तो कॉफी, चाय और कोल्ड ड्रिंक में से एक? अभी इन दिनों कुछ नहीं पी रहा हूँ, न कॉफी न चाय, लेकिन इलाहाबाद में कॉफी हाउस पे गिलास में कॉफी पीने का जो स्वाद था वो खत्म हो गया। मतलब जो फिल्टर कॉफी मिलती है, वो फिल्टर कॉफी क्या, वो इलाहाबाद में कॉफी हाउस है बहुत मशहूर, जहाँ कभी मतलब मोतीलाल नेहरू जी से लेकर के और फिराक साहब से लेकर के, किसने वहां बैठ के, चंद्रशेखर जी से, कई प्रधानमंत्रियों ने बैठ के, नेहरू जी ने, सबने कॉफी पी है वहां। तो इलाहाबाद वो अंदर तो हम लोग कम बैठते थे, तो बगल में ही एक मतलब एक छोटा सा उसका एक आउटलेट था, तो वो ग्लास में ला करके रोड पे ही कॉफी देता था। अच्छा, कांच के ग्लास में भरा हुआ ग्लास कॉफी का। वो जो 10 रुपए की कॉफी थी ना, वो दुनिया में कहीं नहीं मिली यार। वो अब मिलती नहीं, तो फिर अब लगता है कि फिर होंठ कौन जलाए, मुंह का स्वाद कौन खराब करे, तो फिर बंद ही कर दिया। कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं पीता हूँ, कोल्ड और ड्रिंक जैसा कुछ भी नहीं है जिंदगी। गले का ध्यान भी रखना होता है? गले का ध्यान जैसा कुछ नहीं, मतलब गांव का आदमी था, मतलब पीने पिलाने का कोई शौक नहीं था, तो लोगों को एक भ्रम था कि शायर तो जब तक पीता नहीं है तब तक शायरी नहीं कर पाता। बने के लिए जितने बने बनाए भ्रम थे कि बिना शराब पी अच्छी शायरी नहीं हो सकती, बिना शेरवानी, बिना दिल टूटे शायरी नहीं हो सकती, मेरे अंतरराष्ट्रीय मुद्दे थे, मैं जहां गया ही नहीं था, मुझे उन विषयों पे शायरी करनी थी, तो मैं सारे दायरे तोड़ रहा था, तो पीने पिलाने का कभी जिंदगी में कुछ हुआ ही नहीं। अच्छा, माउंटेन्स पे जाना पसंद है या बीचेस? एक्चुअली दोनों पसंद है, लेकिन जा दोनों जगह कम पाता हूँ। पहाड़ नहीं, अभी मेरा मानना है कि
पहाड़ आप जब आप बहुत खामोश रहना चाहते हैं और मतलब आप अंतर मन से बातें करना चाहते हैं तो खुद से बातें करना चाहते हैं तब पहाड़ जाइए। पहाड़ आपको सुकून देता है, समंदर आपको डराता है। क्या बात है, समंदर में एक बेचैनी है। आप समंदर को महसूस करना है तो रात में समंदर के किनारे बैठिए, तो जो शोर है वो डराता है आपको, वो बेचैनी महसूस होती है। मेरा एक शेर है कि सब समझते हैं वाह वाह में हूँ, सब समझते हैं वाह वाह में हूँ, मैं मोहब्बत की बारगाह में हूँ, अपने आगोश में समेट मुझे, ऐ समंदर तेरी पनाह में हूँ। तो समंदर आपको डराता है दरअसल, तो उस बेचैनी को महसूस करना हो तो समंदर के किनारे जाइए, और खुद से बात करना हो, खुद से मिलना हो तो पहाड़ों पे जाइए, और परिवार से मिलना हो तो घर पे रहिए। वो सबसे बेस्ट है। इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर, बहुत टेक्नोलॉजी से कोई वास्ता नहीं था, बट यूज क्या करते हैं सबसे ज्यादा? व्हाट्सएप, मतलब नहीं व्हाट्सएप कम यूज कर, अभी कम कर दिया, पहले बहुत यूज करता था एक टाइम पे, सबके जवाब देना, मतलब वो खफ्त रहता था ना कि किसी का मैसेज आया तो जवाब देना है, और फिर इतना लंबा दायरा हो गया कि फिर लोग शिकायत करने लगे कि आप जवाब नहीं देते, और अजीब तरह का एक आपको दुआ सलाम हाय हेलो भेजेगा, फिर कैसे हो, एक बार आपने अगर रिप्लाई कर दिया तो फिर वो कन्वर्सेशन। अच्छा, ये इसमें एक और चीज मैं ऐड कर दूं, वो बीजेपी वाला मैसेज आते हैं कभी व्हाट्सएप वाले? हाँ हाँ, वो आते हैं कहीं ना कहीं से फॉरवर्ड मैसेज, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, यूनिवर्सिटी वाले आते हैं। क्या आता है, मैं उसको पढ़ता हूँ कभी कभी हंसने के लिए। अरे मतलब अद्भुत है। दो चीजें हैं, या तो आप भोजपुरी गाने सुन लीजिए या बीजेपी के व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के मैसेज पढ़ लीजिए, दोनों पे हंसी आते हैं। मैं कभी कभी मतलब जब मैं गाड़ी में अकेला रहता हूँ ना, तो मैं मतलब मुझे लगता है कि आजकल भोजपुरी में क्या चल रहा है, तो मैं कभी कभी ऐसे लगा दिया न्यू भोजपुरी सॉन्ग, तो वो नए नए जो प्रतीक लाते हैं भाई ना, हाँ। वो अद्भुत है यार। हाँ। मतलब शब्दों का खेल जो होता है, वो बड़ा मजे का है। तो वो नदीम बुरहानपुरी का एक शेर है कि जमाने का भरोसा करने वालों, भरोसे का जमाना जा रहा है, तेरे चेहरे में ऐसा क्या है आखिर जिसे बरसों से देखा जा रहा है। तो हम तो टीवी पे आते नहीं थे, हम किसी बड़े परिवार से नहीं थे, कोई बैकग्राउंड नहीं था, तो हमें तो कभी टीवी ने जगह ही नहीं दी, चाहे वो मतलब साहित्य से रिलेटेड कार्यक्रम रहे हों या खबरों में। तो हम तो बेसिकली हम लोग तो सोशल मीडिया और मोबाइल के बनाए हुए स्टार हैं, मतलब तो हमें बहुत करीब से देखा है लोगों ने रात को। हाँ, मतलब हमें दूर से नहीं देखा, हमें करीब से देखा, तो हमारा चेहरा जो है ना ज्यादा सलीके से पहचानते हैं लोग, तो गुमनाम नहीं रह गए। तो ऐसी किसी दुनिया में, मतलब मैं कहीं भी चला गया, मैं दुनिया के जिस भी कोने में गया, मैं लंदन गया मुशायरों में, वहां भी पहचानने वाला कभी कभी मैं, जैसे मैं, मेरा इलेक्शन था जब मैं राज्यसभा का चुनाव लड़ रहा था, मुंबई गया, तो 28 साल बाद 24 साल बाद वहां चुनाव हुआ। उससे पहले होता था निर्विरोध लोग हो जाते थे, अनपोज हो गया, मेरे टाइम पे चुनाव हुआ, तो मुझे 10 दिन थे, बड़े भारी थे। तो होटल में कितना बैठे आदमी, अब मिलना भी है विधायकों से, मिलना है, अब मिलके चले आए, तो एक लेवल पे वो अजीब सी वहशत तारी होने लगती है ना। हम लोगों की आदत नहीं है ना कि आप इतना रूम में बैठे, अभी 15 दिन बेड पे रहना पड़ा तो समझ में आया कि नहीं यार अब भागो यहाँ से। तो मैं एक होटल में रुका था ताज लैंडसेंट्स में, रात में 1 बजे के आसपास, मेरे साथ तो कुछ दोस्त भी थे, तो हमने कहा चलो बाहर निकलते हैं, घूमते हैं पैदल ही ऐसे। तो ये हुआ कि मास्क लगा, अच्छा मैं कैंडिडेट भी हूँ राज्यसभा का, मतलब ये था कि नहीं अब आपको बहुत थोड़ा और एहतियात बरत के, तो मास्क और फिर उसके ऊपर एक और मास्क जैसा, फिर एक कैप और लोअर टी शर्ट और स्लीपर, निकले हम लोग बैंड स्टैंड और ऐसे ही पैदल। तो मेरे पीछे एक ऑटो वाला आके रुका, गौर से देखा, बोला इमरान प्रतापगढ़ी, तो मैं चलता रहा, मैंने कहा यार भी पहचान लेगा, चार लोगों को और बताएगा। तो जो मेरे साथ थे तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, फिर हम लोग आगे बढ़ गए, फिर वो थोड़ी थोड़ी ऑटो लेके गया, फिर पलट गया, बोला नहीं नहीं इमरान प्रतापगढ़ी। तो मैंने कहा नहीं भाई मैं इमरान, बोला नहीं पक्का, आवाज की बात, और आदमी आवाज को पहचान जाता है। फोटो खिंचवाओ, फोटो खिंचवाया, तो फिर उसने 10 और ऑटो वाले को बुला लिया, फिर आसपास लोग। तो ये एक बड़ा वो रहा कि आप गुमनाम नहीं रह गए लाइफ में। तो ये इस तरह के जो पाठक वर्ग है ना व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाले, वो अपने को दूर से ही सलाम करके निकल लेते हैं कि नहीं यार ये दायरा ही नहीं बन पाया। हाँ, नेटफ्लिक्स देखते बहुत कम, लॉकडाउन में देखी कुछ सीरीज, देखी इंटरनेशनल सीरीज, देखी अच्छी सीरीज, देखी मनी हाइस्ट देखी थी क्या? नहीं देखी, नहीं नहीं देखी, 2-3 देखी थी और अच्छी ही देखी थी। अच्छी अब समय नहीं मिलता, अब तो
अब जब सेशन चलता है ना, तो सुबह 10 बजे आपको बच्चे की तरह, स्कूल जाने वाले बच्चे की तरह तैयार होना पड़ता है, और क्लास जैसे बच्चा होमवर्क करके जाता है ना, वैसे आज ये क्वेश्चंस लगे होंगे, ये सप्लीमेंट्री लगाना है, ये जीरो आवर है, ये स्पेशल मेंशन है, और वहां जाके पता एक शब्द सुनने को मिलता है, हाउस एडजर्न, छुट्टी हो गई, जाओ वापस घर जाओ। तो बहुत ही कोफ्त होती है, बड़ा गुस्सा आता है। मैंने देखा एक बार चेयरमैन साहब से कहा, हमने कहा सर हम बड़े सपने लेके आए हैं सदन में कि हमें बात करनी है, हमें मुद्दे उठाने हैं, सरकार क्यों नहीं सदन चलने दे रही है, आप तो सदन चलाइए। लेकिन सरकार ने तो पिछली बार भी उससे पहले भी सोच रखा था कि उन्हें सदन नहीं चलाना। लाइफ में कभी टूटे हैं, बुरा टाइम आपको याद आता है कि हाँ मेरी लाइफ में सबसे बुरा टाइम वो था? नहीं, ऐसा सबसे बुरा जैसा कुछ, सब अच्छा ही होता रहा जिंदगी में, और हुआ भी कुछ बुरा, कहीं असफलता भी हाथ लगी, चुनाव हारा, लोकसभा चुनाव लड़ा, चुनाव हारा, तो जिंदगी में पहली बार हार को महसूस किया। उससे पहले तो ये था कि जब आगे बढ़े तो बढ़ते चले गए, तो लेकिन ठीक है, मुझे लगा कि हारे नहीं, हार मिली लेकिन हारे नहीं, ये एक सीखने का दौर था। मुझे लगा मैंने बहुत कुछ सीखा, अगर मुझे लगता है कि हर इंसान को जिंदगी में एक चुनाव लड़ना चाहिए, मतलब लिटरली आप बहुत कुछ, बहुत सारी चीजें हैं जिनको आप बिना चुनाव लड़े समझ ही नहीं पाएंगे कि ये प्रक्रियाएं भी हैं, तो आप चुनाव जरूर लड़िए। और जब मैं राज्यसभा लड़ा तो राज्यसभा भी, मतलब राज्यसभा कहने के लिए कि पार्टी ने आपको राज्यसभा भेज दिया, राज्यसभा का जो चुनाव हुआ वो तो एक अलग ही प्रक्रिया है, उसमें तिकड़मबाजी बहुत तिकड़मबाजी, और उसके बाद मेरा तो 8 घंटे काउंटिंग रुकी थी। तो मैं अभी महाराष्ट्र गया तो मैंने एक किस्सा भी सुनाया, मैंने अच्छा जब काउंटिंग रोक दी गई, ये हुआ कि 2 वोट पर ऑब्जेक्शन था, रिजेक्ट होंगे या नॉर्मल रहेंगे, तो हरियाणा की काउंटिंग रोक दी गई और महाराष्ट्र की। अच्छा, अब बॉक्स है, एक बॉक्स है जो खुलेगा तो ये तय होगा कि आप सांसद हैं या नहीं है, सिर्फ एक बॉक्स है, और इधर दिल्ली से इंतजार है कि दिल्ली से इलेक्शन कमीशन कहे कि हाँ अब आप काउंटिंग करा सकते हो, तो काउंटिंग कराओ। सारे जो बाकी प्रत्याशी हैं अलग अलग दलों के, वो बाहर चले गए, मैं एक टकटकी बैठ करके सामने सिर्फ बॉक्स देख रहा था। मुझसे एक आदमी ने आके कहा कि भाई चलो थोड़ा बाहर घूम के आते हैं, मैंने कहा ना भाई, मैं उत्तर प्रदेश से आया हूँ, मैं जानता हूँ कि ये बॉक्स जो है ना हाईजैक कर लेना जरूरी है। तो बड़ा मतलब हंसा भी बाद में मैं उसमें, और सब लोगों ने बाद में बड़ा इस पे अचरज भी किया कि भाई पूरे 8 घंटे ये बैठे रहे। तो फिर बाद में काउंटिंग हुई, चुनाव जीता मैं, तो बड़े मुझे लगता है कि वो हारने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन ठीक है आप सीखते हैं उन चीजों से। काफी लंबा सफर, काफी डिस्कस किया ना आपने। हाँ अच्छा हुआ, बहुत अच्छी बातचीत रही, और एक आध बार फिर किया जाएगा। हाँ बिल्कुल, चलते चलते कुछ अच्छी 2 नज़्म हो जाए जो आपको दिल करना, आप पॉलिटिक्स कर सकते हैं। आज नहीं, अब पॉलिटिक्स क्या करना, पॉलिटिक्स करने पे आऊंगा तो फिर तो सरकार से ज्यादा हो जाएगा, सरकार से सवाल। आज तो ये व्यक्तिगत बातचीत है, तो इसी में आप कुछ अच्छा सा, वरना तो फिर बहुत सारे सवाल हैं सरकार से। अब मुझे लगता है कि शायरी क्या ही सुनाऊं आज आपको, आज इतना कुछ सुना दिया कि वही सब नज़्म है, वही सब शायरी है। एक दिन ऐसा करेंगे ना, एक दिन शायरी पे करते हैं, एक दिन राजनीतिक शायरी पे करिए, एक दिन मोहब्बत वाली शायरी भी सुनाता हूँ। ठीक है, आज तो बातचीत ही की गई और बातचीत अच्छी बातचीत रही आपसे, आपने सवाल अच्छे पूछे, मजा आया। ये लिखे नहीं थे मैंने बाय द वे सवाल, जब आपने मुझे बोला था। मैं आज तक मतलब मैं लिख के कभी भाषण नहीं देता, नज़्में लिखी याद हो गई खुद ही कहीं, मतलब किसी और का सहारा लेना नहीं था। फिर धीरे धीरे ख्याल आया कि जब कभी एक आध बार तैयारी करके बोली तो बहुत खराब बोला, लोगों को अच्छा लगा, लेकिन बाद में खुद को एहसास हुआ कि नहीं यार, जब हम एक्सटेम्पो बोलते हैं, तुरंत बोलते हैं, तो वो ज्यादा अच्छा होता है। तो ऐसे ही है कि कोई इंटरव्यू कोई कुछ नहीं, अब हमसे, हमें पता है कि आप हमसे थोड़ी पूछोगे कि आम चूस के खाना है या काट के खाना है, हमसे थोड़ी पूछोगे कि आप कौन सी दवाई लेते हैं, आप थकते क्यों नहीं हो। मैं थकता भी हूँ, मैं सोता भी हूँ, मैं इंसान हूँ, और मैं चाहता हूँ कि भारत का हर व्यक्ति इंसान रहे, इंसानियत रहे, व्यक्ति रहे, इंसानियत रहे, जिसको सरकार नहीं रहने देना चाहती। वो जैसे ये है ना कि आप सांसद हैं, आप राजनीति में हैं, आप सार्वजनिक जीवन में हैं, तो आप कभी रो नहीं सकते, रोएंगे तो आप कमजोर माने जाएंगे। नहीं, मुझे लगता है कि रोने वाला इंसान कभी भी कमजोर नहीं होता, रोने वाला इंसान बहुत बहादुर है, वो इतना बहादुर है कि वो अपने आंसू आपके सामने निकाल सकता है। तो कभी ये मत सोचिए, ये सब वो जरूरी चीज है जो आपको इंसान बनाए रखती है, और अगर आप इन चीजों को छुपा रहे हैं तो फिर आप अदाकारी कर रहे हैं, फिर तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप सही है। चलिए, बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके हेमंत जी, हमें भी अच्छा लगा। अभी तक हमारी ज्यादातर पॉलिटिकली बातें होती थी, आज पर्सनल बात हुई है,
और आपने बता भी दिया कि आप शादी कब करने वाले हैं, ये बहुत बड़ा मुद्दा था। आई थिंक सलमान खान की शादी, अब राहुल गांधी की शादी 2024-2025 में आप जब फिर ये सवाल पूछेंगे तो नहीं, सवाल नहीं, अब तो जवाब देना है आपको, सवाल तो मैं पूछ चुका हूँ। सवाल सारे गलत थे, जवाब क्या देते वाली बात आ जाती है। शादी भी होगी, किया ही जाएगा, कहाँ तक भाग सकेंगे, कितना भागेंगे। शादी का लड्डू खाना पड़ेगा, हाँ उसके बाद ही पछताना पड़ेगा। लोग ऐसा कहते हैं ना, शादी का लड्डू जो खाए वो पछताए। देखेंगे देखेंगे, वो मुगले आजम का एक गाना था ना, हाँ। घड़ी भर को तेरे नजदीक आकर हम भी देखेंगे, तेरी महफिल में किस्मत आजमा कर हम भी देखेंगे। तो एक बार तो सबको गुजरना ही है रहे हयात से, एक बार ही गुजरना है। नहीं हाँ, कई बार तो लोग गुजर के फिर ऐसा गुजर गए कि गुजर ही गए। चलिए अच्छा लगा, ठीक है, मिलते हैं, थैंक यू। ओके अच्छा लगा, थैंक यू। इसके बाद हम बहुत अच्छे दोस्त हैं। बिल्कुल, पहले भी थे, हाँ आगे भी रहेंगे, आगे भी रहेंगे।